शारदा मई भगवती शारदा मई भगवती शारदा भगवती शारदा मई भगवती शारदा ये मा मदाल माहिनी महारानी जे मदाल जे मदाल बाहिनी महारानी बिना पानी सकल सुख खानी बिना पानी सकल गुण खानी बिना पानी सकल सुख खानी बिना पानी सकल गुण खानी हरि भगति विमल भगवती शारदा मई भगवती शारदा
श्याम मनोहर बोले हरिओम। आजे कथाना बीजा दिवसे आप सर्वनु तत्वतीर्थना प्रांगण में हार्दिक स्वागत छे। આજના કાર્યક્રમની શરૂઆત પૂજ્ય સ્વામીજીના સ્વાગતથી કરીશું। પૂજ્ય સ્વામીજીનું સ્વાગત અમૂલ્યભાઈ શેતલવાડ અને અનિતાબેન શેતલવાડ કરશે। नमोस्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। हवे भागवतजीनु स्वागत करशे। ॐ शारदा शारदाम्बुज वदनां वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदा अस्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात् यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिदेशतान्तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनां व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः। હવે આ ભાગવત કથા માટે આપણે ફોલ્ડર તૈયાર કરાવ્યું છે, જેની પાસે ના હોય અશ્વિનભાઈ લિંબાચિયા પાસેથી લઈ શકે છે। હરિઓમ। હવે કથાનો પ્રારંભ થશે। हरिः ॐ मा ज्वालामालिन्यै नमः। ॐ मा चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत हेरास बिहारि तेरी आरति गाओ रास बिहारि तेरी आरति गाओ हे श्याम सुंदर तेरी आरति गाओ श्याम सुंदर तेरी आरति गाओ मोर मुकुट तेरे शीश पे सो है मोर मुकुट तेरे शीश पे सो है प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे या बंसी पे मैं तो बन बन जा बिहारी तेरी आरती गाओ।
चरणों से निकले गंगा प्यारे, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने तारे दुनिया तारे, जिसने सारी दुनिया तारे, उन चरणों को मैं शीश झुकाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, 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 मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, वास सदा ब्रज मंडल पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे युगल बिहारी तेरी आरती गाऊं, युगल बिहारी तेरी आरती गाऊं, कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रधारम, संसार सारम भुजगेन्द्रधारम, सदा वसन्तम हृदयारविन्दे, सदा वसन्तम हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, तुमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, तुमेव सर्वं मम देव देव, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम ृंद्रशुंसांदिपृथिवीसांदिपहांदिरोकयासांदि वनस्पतयासांदि विश्वे देवा शांति ब्रह्मशांति शर्वगुंसांदि शांतिरव शांति श्यामा शांतिरेदी आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरण मंत्रपुष्पांजलि हरि ओं जजने नजज्ञमे जंददेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहराकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाणः परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद भागवत महापुराण की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, संत वैष्णव भगवान की जय, व्यास भगवान की जय, जय श्री राधे। हरिओम, बधाने विनंती के मोबाइल स्विच ऑफ राखे, चेक करी लेजो, बधा स्विच ऑफ करी देजो मोबाइल।
गौर वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री रास बिहारी भगवान की जय। जय जय श्री राधे। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। धेयं सदा परिभवगनमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवमिरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहम् प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभा पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। सीतानाथ समारंभां श्रीनामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीमद् रामहर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आइए माधुरी मूर्ति माधव का हम सब मिलकर के ध्यान करें और मधुराष्टक के माध्यम से उस छवि का गान करें।
अधरम मधुरम वदनम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम मलितम मधुरम वसनम मधुरम मलितम मधुरम चलितम मधुरम शमितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम रेणुर मधुरो रेणुर मधुर रेणुर मधुरो रेणुर मधुर पाणिर मधुर पादौ मधुर पाणिर मधुरम पादौ मधुर नृत्यम मधुरम सख्यम मधुरम नृत्यम मधुरम सख्यम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम गीतम मधुरम पीतम मधुरम गीतम मधुरम पीतम मधुरम उक्तम मधुरम सुक्तम मधुरम मधुरम सूक्तम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम करणम मधुरम करणम मधुरम करणम मधुरम करणम मधुरम हरणम मधुरम रमणम मधुरम हरणम मधुरम रमणम मधुरम वमितम फलितम् मधुरम्
भगवान पिता रात्रि सरदोत फुल मल्लिका वीक्षरंतुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रित योग माया ताह रात्रि ही वीक्ष्य भगवान अपि रंतु मनश्चक्रे। उस शरद पूर्णिमा के सुंदर सुहावन सुखदर दिव्य रात्रि का दर्शन करके आज माधव ने भी रमण करने का मन बना लिया, पर जब तक बरसाने वाली ना आवे तब तक कृपा का कन्हैया की कृपा का आनंद कैसे बरसे। तो बरसाने वाली को भी बुला लिया, उनका आश्रय लिया, योग माया मुपाश्रित। संपूर्ण श्रीमद् भागवत में राधा जी का नाम स्पष्ट रूप से सुखदेव जी ने कहीं नहीं लिया, क्योंकि परमहंस परिव्राजकाचार्य महामुनीन्द्र व्यासनंदन श्री सुखदेव जी महाराज ये किशोरी जी के राधा रानी के लालित पालित सुख हैं। जब गोलोक धाम में भगवान धरा धाम पर आने की भूमिका बना रहे थे, प्रिया प्रीतम दोनों पधारने का उपक्रम रच रहे थे, राधा रानी के लाडले सुख को पता चल गया तो छटपटाया, अनुनय विनय किया, किशोरी जी से प्रार्थना करी कि मां मुझे भी अपने साथ में लेके चलना। मां ने कहा तुम क्या करोगे, सुख ने कहा आप क्या करोगी। राधा रानी ने कहा हम प्रकट होकर के वहां रसिकों को आनंद देने के लिए मधुर मधुर लीलाएं करेंगे, क्योंकि संसार के दैहिक दैविक भौतिक तापों में जो संतप्त प्राणी हैं उनके अंतःकरण में शीतलता का संचार करने के लिए हम अभिव्यक्त होते हैं, प्रकट होते हैं। लकड़ी में आग तो है, सर्दी के मारे बत्ती सी बज रही है, किसी को पता चला लकड़ी में आग होती है और ऐसा सोच के वो लकड़ी को पकड़ के बैठ जाए कि गर्मी मिल जाए, तो लकड़ी को पकड़ने से तो गर्मी नहीं मिलने वाली है। तो गर्मी नहीं मिल रही इसका मतलब आग नहीं है। बोले नहीं नहीं आग तो है। बोले तो अग्नि का तो गुण होता है उष्णता दाहकता,
यदि लकड़ी में आग है तो हमको ताप क्यों नहीं मिल रहा, हमारी सर्दी क्यों नहीं भाग रही। बोले भैया आग तो है पर जब तक प्रकट नहीं करोगे तब तक ये अग्नि का कोई गुण आपको प्राप्त नहीं होगा। अग्नि को घर्षण, उसको लकड़ी का घर्षण करो, अग्नि प्रकट हो जाएगी। अब कोई ये सोचने लगे नहीं लकड़ी में आग रहती है तो जरा देखें किधर है, काट काट के देखें, सारी लकड़ी को काट के टुकड़े टुकड़े कर दो तब भी आपको आग कहीं नहीं नजर आएगी। ऐसे बहुत से लोग कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदये से अर्जुन तिष्ठति, गीता में हमने सुना है भगवान सबके हृदय में रहते हैं। अब कोई डॉक्टर कहे मैंने तो लाखों ऑपरेशन कर दिए मुझे तो एक के हृदय में नजर नहीं आए। अरे भाई किसी एक के हृदय में तो मिलते, तो बोले कोई ऑपरेशन करने से ऐसे थोड़ी मिलेंगे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना किंतु प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। बोले बाबा का वचन है प्रेम ते प्रकट होते हैं। तो किशोरी जी ने कहा हम जब प्रकट होंगे तभी तो भक्तों का संताप दूर होगा। भगवान व्यापक तो हैं, प्रकट हुए बिना बात नहीं बनती। तो शुक ने कहा आप प्रकट होकर के भक्तों को आनंद दो अपने लीला चरित्रों से, और मैं भी आपके साथ में चल करके आपकी लीलाओं का वर्णन करके आपके भक्तों को आनंद दूंगा, आपके रसिकों को आपकी रसमयी कथा सुना करके आनंद दूंगा, तो मेरा भी प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा। तब किशोरी जी प्रसन्न हो गए, अच्छा ठीक है तुम भी चलो। तो वे ही किशोरी जी के लाडले शुक सुखदेव महाप्रभु के रूप में प्रकट होके पधारे हैं। बोलो सुखदेव भगवान जय। और भोले बाबा के द्वारा इन्होंने अमर कथा भी सुनी है। एक बार पार्वती जी ने कहा भोले बाबा से, क्योंकि नारद जी ने एक दिन पार्वती जी को छेड़ा। नारद जी गुरु जी हैं पार्वती जी के, और इसलिए रामचरितमानस में देखिए अवतारों का कारण बता रहे थे भोले बाबा भवानी को, क्यों भगवान ने अवतार लिया। तो जब तीसरा कारण बताया है तो तीसरा कारण बताया है कि एक बार तुम्हारे गुरुदेव नारद जी ने साथ दे दिया था इसलिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। तो गिरिजा चकित भई सुन वाणी, मेरे तुम्हारे गुरुदेव ने शाप दिया इसलिए अवतार लिया, ये सुन के गिरिजा चकित हो गई, मेरे गुरुदेव ने शाप दिया। तो जैसी भोले बाबा ने कहा कि तुम्हारे गुरुदेव ने शाप दिया तो पार्वती जी प्रश्न क्या करती हैं, कहा अपराध रमापति कीना, भगवान नारायण ने कौन सा अपराध किया था जो हमारे गुरुदेव को शाप देना पड़ा। अब देखिये गुरुदेव का पक्ष, ये नहीं कहा कि हमारे गुरुदेव ने नारायण को शाप क्यों दिया, ऐसा प्रश्न नहीं है। का अपराध रमापति कीना, निश्चित रूप से रमापति ने कोई अपराध किया होगा इसलिए गुरुजी को शाप देना पड़ा। तो ये बताइए भगवान ने कौन सा अपराध किया था जो गुरुजी ने शाप दिया। इन शब्दों से गुरु निष्ठा पार्वती जी के वचनों में छलक रही है, ये उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि गुरुदेव शाप दिए दे सकते हैं अपने इष्ट को, दिया है तो इष्ट देव में ही कुछ गड़बड़ होगी, अन्यथा गुरुदेव हमारे अनावश्यक शाप क्यों देंगे। नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, मेरे गुरुदेव नारद जी महाराज विष्णु भक्त हैं उस पर भी परम ज्ञानी हैं, फिर उन्होंने शाप क्यों दिया। तो इसका मतलब गुरुदेव के प्रति पार्वती जी की बड़ी निष्ठा है। तो एक दिन नारद जी ने पार्वती जी से कहा देवी जी आजकल गृहस्थों के जीवन में प्रेम का बहुत अभाव दिख रहा है इसलिए मैंने तो गृहस्थों के यहां जाने ही छोड़ दिया। पार्वती जी ने कहा देखिए गुरुदेव आप दुनिया की बात तो मैं नहीं कहती परंतु मेरे घर में ऐसी बात न कीजिए, मेरे घर में तो बड़ा स्नेह का वातावरण है और आप कह रहे हो संसार में कहीं प्रेम नहीं है, मेरे भोले बाबा तो सचमुच भोले भाले हैं निश्चल हैं और मैं भी बिल्कुल उसी भाव समर्पण के साथ उनसे प्रीति करती हूं, और आप कह रहे हो दुनिया में कहीं प्रेम दिखाई नहीं पड़ रहा। तो नारद जी ने कहा अच्छा भोले बाबा आपसे बहुत प्रेम करते हैं। बोले हां आज तक कोई दुराव छुपाव मेरे से तो कभी किया नहीं,
अच्छा देवी तो बताओ, भोले बाबा के गले में ये नरमुंडों की माला लटकी रहती है, वो किसके सिर है? आज तक ये बात मुझे नहीं मालूम। और आप उनकी अर्धांगनी हो, आपसे कुछ छुपाव रखते भी नहीं, तो आपको तो अवश्य पता होगा। जरा बताओ। अब पार्वती जी सिर खुल जलाबे, क्षमा करें गुरुदेव, मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं मालूम। अब नारद जी हंसने लगे, इसका मतलब आपसे भी दुराव छुपाव रखते हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं गुरुदेव, मैंने भी कभी नहीं पूछा। अरे ठीक है देवी, आपने नहीं पूछा तो क्या उन्हें अपने मन से नहीं बताना चाहिए? अरे दुनिया से छुपाओ पर पत्नी को तो बताओ। आपसे भी छुपा के रखा तो मैं कैसे कहूं कि भोले बाबा आपसे सर्वाधिक प्रेम करते हैं, आपसे कोई छुपाव नहीं रखते, मैं कैसे मानूं? और इतने में भोले बाबा की समाधि खुल गई। जैसी नेत्र खोले, नारद जी धीरे से बोले, देवी जी अब हम चलते हैं, क्योंकि आप जानते हो हम ज्यादा एक जगह पर ठहर नहीं पाते। भोले बाबा की दृष्टि पड़ी, अरे देवर्षि कब पधारे? नारद जी बोले, भोलेनाथ बड़ी देर से सत्संग चल रहा था देवी पार्वती जी के साथ, परंतु अब मैं निकलूंगा, पुनः कभी आके आपके दर्शन करूंगा। और यूं कह के नारद जी चले गए। परंतु नारद जी के जाते ही भोले बाबा की दृष्टि भवानी पर पड़ी तो देखा बड़ा मूड खराब है। भोले बाबा चेहरा देखते ही समझ गए, क्या हुआ देवी, ऐसे मुंह क्यों लटका रखा है? पार्वती जी ने कहा, आज मुझे पता चला कि आप भी कपटी हो। कपट का मतलब कुत्सितम पटह, कोई काला पट यदि आपके सामने पड़ जाए तो हम और आप निकट होके भी एक दूसरे का स्वरूप नहीं समझ सकते, क्योंकि पर्दा पड़ा है, उसी का नाम कपट है। हम अपना कोई रूप आपसे छुपाए, वही कपट है। तो आप मेरे से कपट कैसे किए? अरे भाग्यवान, क्या कपट कर दिया? बोले, इतने नरमुंडों की माला अपने गले में लटकाए घूमते हो, कभी आपने अपने मन से बताने की कोशिश करी कि ये किसके सिर लटकाए घूम रहे हो? बोले बाबा हंस के बोले, भाग्यवान इतनी सी बात पर नाराज हो, ये किसी के सिर नहीं है, सब तुम्हारे ही सिर है। पार्वती जी और आश्चर्य में पड़ गए, इतने सब मेरे सिर, ये कैसे हो सकता है? भोलेनाथ ने कहा, जब जब जन्म लेती हो तब तब हमसे विवाह करती हो, और जब शरीर त्याग देती हो तो हम इतने पागल हो जाते हैं तुम्हारे प्रेम में कि रह नहीं पाते, तो तुम्हारा सिर ही गले में लटकाए डोलते हैं। अब बताओ, दुनिया में मेरे जैसा कोई प्रेम दीवाना होगा जो मरने के बाद भी तुम्हारा सिर कंठ में लटकाए घूम रहा हूं, और तुम मुझे कपटी कह रही हो? पार्वती जी ने कहा, तब तक कपटी नहीं, महाकपटी निकले। क्यों? एक बात बताओ, यदि मैं इतनी बार मरी और इतनी बार पैदा हुई, इतने गले में आपने सिर लटका लिए मेरे, पर आपको कभी कुछ नहीं हुआ, आप ऐसे जैसे कि तैसे बने रहते अमरनाथ? भोलेनाथ ने कहा, देवी हमने अमर कथा सुन रखी, इसलिए हम अमर कथा में अमरनाथ बन करके मस्त रहते। पार्वती जी ने कहा, ये अमर कथा क्या है? आज अभी इसी वक्त मैं आपसे सुनूंगी। अच्छा चलो ठीक है देवी, आज आपको भी सुनाई देते हैं, पर दो शर्त। पहली शर्त, हमारे तुम्हारे अतिरिक्त कोई भी ना हो, नहीं तो वह भी अमर होके समस्या खड़ी कर सकता है। दूसरी शर्त, हम कथा कहेंगे मस्त होके डूब करके, तो ऐसा ना हो कि हम अपनी मस्ती में कथा कहते जाएं और तुम्हारे खर्राटे बजते जाएं। सो मत जाना, इसलिए बीच में तुम्हें कथा में थोड़ा हुंकार भरनी होगी। पुराने जमाने में दादा दादी किस्से सुनाते थे, एक राजा था तो सुनने वाला कहता तो ऐसे हुंका भरता रहे तो सुनाने वाले का भी मन लगा रहता है कि हाँ ध्यान से सुन रहा है। तो देवी जी, यदि आपने हुंका भरने बंद कर दिए, मैं कथा बंद कर दूंगा, आगे नहीं कहूंगा। पार्वती जी ने कहा, हमें स्वीकार है। भोले बाबा ने भगवान का ध्यान किया, अमर कथा प्रारंभ, और डमरू बजा के वहां से जितने जीव जंतु कीट पतंग सबको भगा दिया। पार्वती जी ने भी चारों तरफ देख दिया, कहीं कोई है तो नहीं। एक तोते का अंडा पड़ा हुआ दिखाई पड़ा, उस पर ध्यान नहीं दिया और आकर के बैठ गई, महाराज आप कथा प्रारंभ करें। कथा के प्रभाव से
उस अंडे में शक्ति का संचार हुआ, अंडा फूट गया और नन्ना सा सुख पैदा हो गया। वो भी फुदकता हुआ पार्वती जी के निकट आके बैठ गया, प्रेम से कथा सुनने लगा। और जैसे पार्वती जी हूं करती जा रही थी, वैसे वो भी हूं का देता जा रहा था। अब तोते की आदत है, जैसा सुनता है वैसे ही बोलने भी लगता है। अब अचानक संपूर्ण अमर कथा रूप भागवत सुनाई, पर एकादश स्कंध में आकर के जब मुक्ति स्कंध के तात्विक विवेचन किया, उसमें पार्वती जी को थोड़ा सा झपका आ गया नींद का। और जैसे ही पार्वती जी को नींद आई तो उनका हुंका देना बंद, तो तोताराम जी चालू हो गए, तो कथा बंद नहीं हुई, यथावत चलती रही। तोताराम जी ने पूरी कथा सुनी और जैसी कथा को विश्राम दिया, बोल बाल कृष्ण लाल की जय। सोई माता जी की झग्गी खुल गई, सावधान होकर बोले, हाँ महाराज फिर क्या हुआ? बोले बाबा ने कहा फिर क्या हुआ, कथा पूरी हो गई, आपने ध्यान से सुना भी कि नहीं? पार्वती जी घबराई, महाराज क्षमा करना, मेरे को तो नींद आ गई। अरे तुम सो गई थी तो ये हुंका कौन भर रहा था? मुझे नहीं मालूम। चारों तरफ देखा तो तोताराम जी दिखाई पड़ गए। अरे चोर कहीं के, इसने मेरी अमर कथा चुरा ली, मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। और जैसे त्रिशूल उठाया कि तोताराम जी फर्र से उड़ गए, बोले बाबा पीछे पड़ गए। उधर श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज की धर्म पत्नी बिटिका देवी ऋतु धर्म से निवृत्त होकर के अपना श्रृंगार कर रही थी। श्रृंगार करते उन्हें उबासी आई, उबासी में जैसे मुंह फट जाता है ऐसे उन्होंने मुंह फाड़ के उबासी ली, तो तोताराम जी तुरंत मुखद द्वार से उदरस्त हो गए, पेट में चले गए। भोले बाबा ने देख ली, ब्यास जी ने देखा, भोले बाबा पधारे हैं, दौड़ के दंडवत की, अरे भोले बाबा कैसे आना हुआ? भोले बाबा ने कहा चोर का पीछा करता आया। ब्यास जी आश्चर्यचकित, चोर ने आपके घर क्या चुरा लिया? आपके घर तो चोरी करने के लिए कुछ है ही नहीं, भुजंगों के तो हार धारण करते हो, भुजगे इंद्र हारम, किसकी हिम्मत है आपके हार से हाथ भी लगा दे, क्या चुराएगा कोई? भोले बाबा ने कहा व्यास जी आपको नहीं मालूम, ये साधारण चोर नहीं है, उसने मेरी अमर कथा चुराई है, छुप करके सुना है। अमर कथा के बारे में आपको पता नहीं, वो जो सुनता है वो अमर हो जाता है, ऐसी दुर्लभ कथा इसने सुनी, मैं नहीं छोड़ूंगा, इसने चोरी करी कैसे? ब्यास जी बोले धन्य है भोले बाबा, अपने मुख से कहते हैं जो अमर कथा सुनता है वो मरता नहीं, और आप ही कह रहे हो कि इसने अमर कथा सुन लिया, इसे छोड़ूंगा नहीं, इसका क्या मतलब हुआ? अरे जब सुन ही लिया तो आप कैसे मार सकते हो उसे, और मार ही दिया तो आपकी अमर कथा का महत्व क्या रह जाएगा? भोले बाबा ने करे हाँ ठीक कह रहे हो, चलो जैसी हरी इच्छा। और भोले बाबा को संतुष्ट करके ब्यास जी महाराज ने लौटा दिए। तो ताराम जी मां के पेट में पूरे 12 वर्ष तक बैठे रहे। ब्यास जी कहते बेटा बाहर तो आओ, और सुखदेव जी कहते नहीं आने का, क्यों किससे डर लग रहा है? बोले भगवान की ये माया बहुत खतरनाक है, जीव को मां के गर्भ में तो सारा ज्ञान रहता है। तृतीय स्कंद में कपिल भगवान कहते हैं तत्र लब्ध स्मृतिर देवा जन्म कर्म शतोद्भवम, जीव को अपने 100 जन्मों तक की याद रहती है मां के गर्भ में, पर जन्म लेते ही सब भूल जाता है, सब विस्मृत हो जाता है, माया में लिपट जाता है, मलिन हो जाता है। जैसे बरसात का जल आकाश तक तो निर्मल है पर धरती पर गिराने के पानी गंदा, भूमि परत भाढावर पानी, भूमि परत भाढावर पानी, जिम जीव ही माया लपटानी, जिम जीव ही माया लपटानी, भूमि परत धरती
धरती पर पड़ते ही मलिन हो जाता है, ऐसी जीव जगत में जन्म लेते ही माया में मलिन हो जाता है। सुखदेव जी कहते हैं इसलिए हम जन्म ही नहीं लेना चाहे। अरे बेटा ऐसे नहीं होगा, जन्म तो लेना पड़ेगा। बोले हां जन्म लेना ही पड़ेगा तो मैं तब लूंगा जब मायापति मेरे सिर पर हाथ रख दे, क्योंकि माया उनके अलावा किसी को नहीं मानती, किसी को नहीं जानती, किसी को नहीं छोड़ती। माया को सब कोई भजे पर माधव भजे न कोई, और जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी होए। माया तो उसकी दासी बन जाती है, माया मेताम तरंती थे, वही माया से बच पाता है। तब व्यास जी ने प्रभु का ध्यान किया, प्रभु ने सुखदेव जी को दर्शन दे करके सिर पर हाथ रख दिया कि वत्स निश्चिंत होकर के आओ, मेरा पूरा पूरा आशीर्वाद है, मेरी माया तुम्हारा स्पर्श भी नहीं करेगी। माया है क्या? मैं और मोर तोरते माया, मैं और मेरा के चक्कर में ही तो जीव जगत में फंसता है, अहमता ममता में ही तो जकड़ता है। आशीर्वाद जब मिला तो सुखदेव जी प्रसन्नता के साथ जगत में जन्म लिए। पर माया मुक्त महात्मा है, जन्म सिद्ध माया से मुक्त है, जन्म से ही जन्मजात, इसलिए तुरंत उठ के चल दिए। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिने दोस्त तम सर्वभूत हृदयम् मुनिमानतोस्। प्रव्रजंतम संन्यास गच्छन्तम, ये तो बालक कहता है माते अहम ब्रजा अहम गच्छामि, माताजी मैं जा रहा हूं, तो उस गच्छामि क्रिया का प्रयोग करते समय तात्पर्य उसका होता है कि मैं जा रहा हूं थोड़ा खेलने कूदने के लिए, थोड़ी देर में आता। यद कहता है माते अहम ब्रजामि, तो अर्थ तो जो गच्छामि का है वही ब्रजामि का है, पर ब्रजामि कहने में तात्पर्य है कि मैं थोड़ा विलंब से आऊंगा। परंतु यद प्र उपसर्ग लगा के कहते हैं प्रब्रजामि, तो इसका मतलब मैं हमेशा के लिए जा रहा, अब लौट के नहीं आने वाला। तो यम प्रब्रजंतम, जो जन्म लेते ही प्रब्रजंत हो गए, सन्यासी हो गए। अपेत कृत्यम अनुपेतम, न उपनयन संस्कार, जो परमहंस होते हैं उनको संसार का कोई भी कर्तित्व शेष नहीं रह जाता, वो कृतकृत्य हो जाते हैं। जो भगवान के हो गए उनके लिए कोई दायित्व फिर शेष नहीं रह गया, क्योंकि भगवत शरणागति सर्वोपरि है। एक होता है लौकिक धर्म, एक होता है पारमार्थिक धर्म, परम धर्म, धर्म और परम धर्म। संसार के व्यवहार जो निभा रहे हैं, जिम्मेवारियों को निभा रहे हैं, ये धर्म है हमारा, परंतु परमात्मा को प्राप्त करना ये परम धर्म है हमारा। सबै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे, भगवान श्री हरि में पराभक्ति उत्पन्न हो जाए ये जीव का परम धर्म है। अहेतु की अप्रतिहता, निष्कपट और निष्काम भक्ति भगवान में हो जाए ये जीव का परम धर्म है। और वही परम धर्म का श्रीमद् भागवत में मुख्य विषय है। धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र परमो, अत्र श्रीमद् भागवते परमो धर्म निरूप्यते। इस श्रीमद् भागवत में उसी परम धर्म का निरूपण मुख्यतः किया गया है, ये मुख्य विषय है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, उसी तत्व को जानना, उसी में प्रीति करना, ये जीव का परम धर्म है। धर्म से ऊपर होता है परम धर्म। परम धर्म की प्राप्ति में यदि लौकिक धर्म त्याग दो तो कोई दोष नहीं है। वैसे तो धर्म त्याग का दोष होता है, परंतु परम धर्म में धर्म छूट जाए तो कोई दोष नहीं। जैसे सीढ़ी है छत पर जाने के लिए नसेनी, तो नसेनी पकड़ के छत पर पहुंच गए, तो नसेनी के माध्यम से ही तो हम छत पर पहुंचे हैं।
पर जैसे ही आपने एक कदम छत पर रखा और आपने कहा कोई जरूरत नहीं इसकी, और उसी वक्त अचानक उसने खींच ली, तो हो सकता है आप नीचे गिर जाएं। आप आराम से आगे बढ़ते जाइए, छत पर पहुंच जाएंगे, नसेनी अपने आप छूट जाएगी। आपको नसेनी के चक्कर में पड़ना क्यों है? छोड़ना भी नहीं है, परंतु जब आगे बढ़ोगे तो अपने आप छूट जाएगी। छोड़ने में खतरा है, बढ़ने आप तो आगे बढ़ो, छोड़ने के चक्कर में न पड़ो। गीता में भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अब किसी ने कहा जब भगवान कह रहे हैं तो हमने सारे धर्म छोड़ दिए, हम कुछ करते ही नहीं, बोले ये अपराध है, तो फिर भगवान तो कह रहे हैं कि परित्यज्य छोड़ो। धर्म का मतलब कर्तव्य, माता पिता के प्रति जो हमारा पुत्र धर्म है करना चाहिए, और भगवान कहते हैं सबको छोड़ दो। तो पहले तो यह विचार करो छोड़ा किसे जाता है, जिसे आपने पकड़ रखा हो। जो वस्तु आपकी होगी उसी का तो आप त्याग करोगे। हमने कहा यह पूरा आश्रम हमने छोड़ दिया, बोलो राधे राधे, तो हमें छोड़ने में क्या लगा, हम पकड़ा ही कब था। तो किसी वस्तु को पकड़ लो और उसमें स्वामित्व ममत्व स्थापित कर लो, तब छोड़ना आपका त्याग कहा जाएगा। और जिसे जिसमें ममत्व ही नहीं है, जिसे पकड़ा भी नहीं है, उसको त्यागना क्या। तो सर्वधर्मान परित्यज्य, ये शब्द सार्थक कब होगा, जब पहले स्वीकुरु, धर्म का पालन तो ठीक से करो और धर्म का व्यसन बन जाए, उसके बिना रहा ना जाए। धर्माचरण हमारे स्वभाव में प्रकृति में ऐसा आत्मसात हो जाए कि उस धर्म का आचरण किए बिना हम रह ना पावे, तब उसका त्याग करना आपके लिए कठिन होगा। कोई कहे हमसे कि आप पुड़िया खाना छोड़ दो, तो हमें क्या लगे, हम खाते ही नहीं, पर जो पुड़िया खा रहे हैं उनसे छोड़वाओ, तब देखो कितना कठिन है उनको छोड़ना, क्योंकि उनका व्यसन है वो। आप जिनसे छुड़वाया जा रहा है, जो नित्य खाते थे उनको, उनसे छुड़वाना बड़ा कठिन है। भले ही आप पुड़िया पे बिच्छू छाप दो, चाहे जितनी चेतावनी लिख दो कि मर जाओगे और कैंसर हो जाएगा और ये तमाम कितनी सावधानी अभियान चलाया जाता है, फिर खाने वाले नहीं छोड़ते, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और समझ भी रहे, और उनको समझाओ कि छोड़ते क्यों नहीं, बोले साहब एक ना एक ना मरना तो सबको है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, उल्टा प्रवचन देने लगते हैं, अमर कौन है संसार। तो ऐसे जिनका दुर्व्यसन है उससे छुड़ाना बड़ा कठिन है, उसी प्रकार धर्म का जिसने व्यसन बना लिया है। पतिव्रता को पति में ही प्रीति हो, यह पातिव्रत धर्म है। अब जो पातिव्रत धर्म का जीवन पर्यंत पालन की हो, उस पतिव्रता नारी से कहो कि तुम ये पातिव्रत त्याग दो, तो उसके लिए अत्यंत कठिन है। और जिसने पातिव्रत का मतलब ही नहीं समझा, पातिव्रत धर्म को जानती ही नहीं है, उसके लिए त्याग करना कौन बड़ी बात है। इसलिए गोपियों के विषय में उद्धव जी कह रहे हैं, या दुस्त्यजम स्वजन मार्य पथम च हित्वा भेजुर मुकुंद पद्मीम श्रुति भीर ब्रह्मज्ञा आशा महो चरण रेणुषा महम। उद्धव जी गोपांगनाओं के सौभाग्य की सराहना करते हुए सबसे बड़ी विशेषता क्या बता रहे हैं कि गोपियां परम पतिव्रता हैं और उनके लिए आर्य मर्यादा का त्याग करना बड़ा दुस्त्यज है, कठिन है। पर या दुस्त्यजम स्वजन मार्य पथम च हित्वा, जिस आर्य मर्यादा का, जिस पातिव्रत धर्म का त्याग करना एक कुलीन स्त्री के लिए सर्वथा दुस्त्यज है, वो नहीं त्याग सकती मान मर्यादा लोकलाज, दुस्त्यज शब्द का प्रयोग किया है। या दुस्त्यजम आर्य पथम हित्वा, उस आर्य मर्यादा को गोपियों ने एक झटके में कन्हैया की बंसी को सुनकर के त्याग दिया, बहुत बड़ी बात है। पर बड़ी बात किसके लिए है, जिसने उसको अपना जीवन का अंग बनाया हो। धर्माचरण जिसकी प्रकृति में स्वभाव में समाया हुआ है, उससे कह दो कि अब धर्म त्याग कर दो, उसके लिए कठिन है। पर धर्म का परम फल है परमात्मा की प्राप्ति। अब जब परमात्मा मिल गए तो अब धर्म को पकड़ के रहने की जरूरत नहीं है,
तो जब भगवान को पालो, भगवान की शरणागति को ग्रहण कर लो, तो उनके लिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। अब जो तुम्हारा कर्तव्य था वो कर चुके, अब मेरे पास आ गए। जिस धर्म के आचरण से तुम्हारे चित्त की शुद्धि हुई, धर्म नहीं आपके चित्त का शोधन किया, चित्त शुद्ध हुआ तभी उसमें भगवत प्रेम जगा। मलिन चित्त में भगवत प्रेम हो ही नहीं सकता। धर्माचरण करने से जो चित्त शुद्ध हो जाता है, वो विशुद्ध सुत्त में चित्त में ही चित्त चोर का चिंतन होता है, उसका उनका स्मरण, उनकी प्रीति प्रकट होती है। सूर्य का प्रकाश तो सर्वत्र है, परंतु सूर्य भगवान प्रतिबिंबित वहीं होंगे जहां निर्मलता होगी। एक पानी गंदा है, उसमें सूर्य भगवान का प्रतिबिंब नजर नहीं आ रहा, और एक निर्मल जल है तो स्पष्ट सूर्य भगवान दिख रहे हैं। प्रतिबिंबित रूप में प्रकट कब हो गए? जब निर्मलता हुई। ऐसे ही भगवान सबके हृदय में तो हैं, पर जितना हमारा धर्माचरण से, शास्त्रानुसार अनुगमन करने से जो जो चित्त शुद्ध होता जाएगा, त्यों त्यों भगवत प्रेम का प्रकाश होने लगेगा, प्राकट्य होने लगेगा। प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। तो गोपियों का धर्माचरण जो था, उससे उनका चित्त शुद्ध हो गया, और इतना विशुद्ध चित्त गोपियों का हो गया कि अब भगवत प्रेम उसमें प्रकट होने लगा। और जब इतना प्रेम प्रकट हो गया, तभी आज समस्त धर्मों का परित्याग करके कन्हैया की बंसी सुन करके दौड़ पड़ी। अब उन्हें कोई चिंता नहीं कि पतिदेव क्या कहेंगे, कि परिवारीजन क्या कहेंगे, कि कुटुंबी लोग क्या कहेंगे। जिसको कहना है जो कहो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सो। देवी आप अपने गिरधर गोपाल को संभालो, परंतु परिवार का भी तो ध्यान रखो। हम तुम्हारे परिजन हैं, तुम राजस्थान की महारानी हो, इतने बड़े कुलीन उच्च कोटि के वंश में आपका जन्म हुआ है, राज परिवार की हो, लोग मर्यादा का कुछ तो ख्याल करो। मीरा जी ने स्पष्ट कह दिया, तात मात भ्रातृबंधु आपणान भ्रात्र बांधवा नति विलंघते तच्युतागता, सर्वस्व त्याग दिया। देखो हमें यद नदी पार करनी है और नौका के अतिरिक्त कोई भी सेतु नहीं है, तो नौका उस समय परमावश्यक बन जाती है। नौका का अवलंब लिए बिना आप पार हो ही नहीं सकते। बैठ जाओ नौका में,
अब नौका में बैठ गए, बड़ी महत्वपूर्ण नौका है, उसने आपको सनई सनई पार पहुंचा दिया। अब जब पार किनारे पहुंच गए आप नौका के माध्यम से, अब केवट कहता है उतरिए, जाइए अपने घर। आप कहो कि हम इस नौका का एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, इसने हमें घर तक पहुंचाया। अब जिसने हमारे साथ इतना बड़ा उपकार किया, हम इसके बहुत बहुत कृतज्ञ हैं, हम इसको छोड़ना नहीं चाहते, इसका त्याग नहीं करेंगे, इसने हमारे साथ बहुत बड़ा उपकार किया है। अरे उपकार हो गया, पार आप लग गए, अब आपको छोड़ना पड़ेगा, तभी तो घर पहुंचोगे भाई। अब नौका में ही चिपके रह जाओ तो फिर घर तक पहुंचना भी तो छूट जाएगा। तो उसी प्रकार नौका महत्वपूर्ण कब थी, जब तक तट नहीं मिला। अब तट मिल गया तो नौका छोड़नी पड़ेगी, तभी आप घर पहुंच पाएंगे। उसी प्रकार धर्म ने आपको परमात्मा के चरणों तक पहुंचा दिया, भगवत प्रेम जगा दिया। अब इस धर्म को पकड़ के रहने की जरूरत नहीं, अब परमात्मा को पकड़िए। जो लक्ष्य था आपका, जो उद्देश्य था जीवन का, जीवस्य तत्व जिज्ञासा, धर्म ने प्रेम जगा दिया, भगवत प्रेम। अब जब प्रेम जाग गया और प्रभु प्यारे मिल गए, तो सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। भगवान कहते अब छोड़ो सबको, मेरे पास आ जाओ। मेरे पास आ गया तो अब तुम्हें कुछ करने धरने की जरूरत नहीं है। अब भक्त अर्जुन कहता है महाराज मैंने जीवन भर जिस धर्म का पालन किया, आप कह रहे हो परित्यज्य सब छोड़ दो। अब मैं धर्म का परित्याग करूंगा तो मुझे पाप नहीं लगेगा? जिस पतिव्रता ने जीवन भर पति की सेवा करके पातिव्रत का पालन किया और परमात्मा को पाने के बाद वो भगवान के छोड़ो उसको। वृंदा ने जीवन भर अपने पति जालंधर की सेवा करी, पातिव्रत धर्म का परिणाम हुआ कि परमात्मा उसके दीवाने बन गए। और गोविंद प्रकट होकर के वृंदा से अपना प्रेम निवेदन कर रहे हैं और वृंदा घास नहीं डाल रही, भगवान से बातें नहीं करी, मैं पतिव्रता हूं, जालंधर मेरे पति परमेश्वर है और मैं किसी को नहीं जानती। और उसी पातिव्रत के प्रभाव में आकर के जालंधर अत्याचार कर रहा है, दुनिया को सता रहा है, सारे ब्रह्मांड में हाहाकार मचा रहा है। और भाई देखो पातिव्रत धर्म का पालन वृंदा ने किया, ये बहुत अच्छा किया, करना चाहिए धर्माचरण, पर धर्म का परम फल परमात्मा है। सभी पुंसाम परो धर्म, तो जब परम धर्म प्रभु प्रकट होके तुमसे प्रेम करने लगे, इससे बड़ा परिणाम और क्या चाहिए? परंतु अब धर्म को ही पकड़ के रह गई वृंदा के, नहीं नहीं मेरे तो पति परमेश्वर है, तो भगवान ने ही उसको छल कर तारे उतास व्रत प्रभु सुर कारज कीन, जालंधर ही बन के भगवान पहुंच गए, उसका व्रत भंग कर दिया। अब उसको जब पता चला कि ये तो छलिया निकला, इसने धोखा किया, तो भगवान को साथ दे दिए, जाओ तुम पत्थर हो जाओ। परंतु प्रीति की रीत रंगीलोई जाने, भगवान जैसा प्रेम दीवाना कौन होगा? नीत प्रीत परमारथ स्वार्थ को न राम सम जान यथारथ। यथार्थ प्रीति क्या होती है कि वृंदा जिससे प्रभु प्रेम कर रहे हैं और वृंदा सीधे मुंह बात नहीं कर रही, प्रेम के बदले में प्रेम का प्रत्युत्तर प्राप्त हो गए तब तो प्रेम बढ़े, पर यहां प्रत्युत्तर नहीं मिल रहा, बदले में फटकार मिल रही है, डांट मिल रही है, तिरस्कार मिल रहा है, और उसके बाद भी भगवान के प्रेम में कहीं किंचित भी कोई कमी नहीं आ रही। और केवल अभी तक तिरस्कार ही मिल रहा था, अब तो शाप भी मिल गया, तुम पत्थर हो जाओ। परंतु धन्य है प्रभु, जिस प्रिया के शाप के परिणाम स्वरूप प्रभु शालिग्राम शिला बन गए और फिर भी प्रेम में कोई कमी नहीं आई। पुराणों में तो यहां तक वर्णन है कि जब वृंदा अपने पति के साथ जल करके राख हो गई, सती हो गई, तो भगवान उसकी राख में 6 महीने तक लोटपोट होकर के रोते रहे, विरह में व्याकुल रहे, प्रिया प्रिया कह के पुकारते रहे। तब महादेव ने प्रकट होकर भगवान को समझाया कि प्रभु आप ये क्या लीला कर रहे हैं, अपने आप को संभालिए, यदि आप ऐसे बिलखेंगे और प्रिया के विरह में अपनी शुद्ध बुद्ध खोल जाएंगे तो ब्रह्मांड का क्या होगा। और वो भस्म होने के बाद पतिव्रता नारी बनी तुलसी का विरवा, तुलसी, और भगवान उसके हिसाब से बन गए शालिग्राम। पर धन्य है
पाषाण शिला बन के भी भगवान कहते जब तक प्रिया जी प्राप्त नहीं होंगी तब तक हम भोजन करने वाले नहीं। भगवान जी प्रभु के सिर में हमेशा दर्द बना रहता है, तो शालिग्राम भगवान को तुलसी ना मिले तो। इतना तुलसी से भगवान की प्रीति है कि भोजन में तुलसी डालो तो भोग लगाएंगे, घर में तुलसी का बिरवा लगाओ तो आएंगे, कंठ में तुलसी की कंठी पहनो तब वैष्णव को भगवान स्वीकार करेंगे। माने कितनी प्रीति है उस तुलसी में। गोपियों ने भी विरह में कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय रास पंचाध्याय में ही तुलसी की महिमा को गाया है कि आप बहुत प्यार करती हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इतना तिरस्कार करने पर भी भगवान के प्रेम में कोई कमी नहीं। ऐसा कोई प्रेमी दुनिया में कहां मिलेगा। भगवान केवल प्रीति के गोचर ही नहीं है, प्रीति के आश्रय भी है। माने भगवान में प्रेम किया जाए सो बात नहीं है, भगवान भी प्रेम करने वाले हैं, अद्भुत प्रेम करने वाले हैं। तो सर्वधर्मान परित्यज्य, भगवान वही बात कहते हैं भैया सबका परम फल मैं हूं। आज जब मैं प्राप्त हो गया तो आप धर्म को पकड़ के रखने की जरूरत नहीं है। सर्वधर्मान परित्यज्य और माम एकम, एकम शब्द का माम एकम, एकमात्र मैं ही हूं, मेरी शरण में आ जाओ। आप जालंधर की पत्नी की तरह में हम कहें कि हमने पति का, आप कह रहे हो त्याग दो, हमने त्याग दिया तो पाप नहीं लगेगा। भगवान कहते हैं अहम त्वा सर्व पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, उसकी चिंता मत करो, जब मेरी शरण में ही आ गए तो अब तुम्हें कोई पाप छू नहीं सकता। भगवत शरणागति सर्वोपरि है, उससे ऊपर कुछ नहीं। ये जितने भी साधन हैं वो वहां तक पहुंचने के लिए है। नौका ने किनारे पहुंचा दिया, अब नौका छोड़ो और अपने घर पहुंचो। सबके साधन का वेद पुराण संत मत एहू सकल सुकृत फल राम सनेहू, समस्त सुकृतों का जितने भी साधन हैं पुण्य हैं उन सब का एक ही परम फल है कि भगवान में प्रेम हो जाए। प्रीति तीन प्रकार की होती है, त्वदीयता तदीयता त्वदीयता मदीयता। प्रारंभिक प्रीति का नाम है तदीयता, हम उसके हो गए। किसके हो गए भाई, बोले अभी मिले तो कभी नहीं, कभी देखा, बोले देखा भी कभी नहीं। जिसको देखा नहीं मिले भी नहीं तो उसके हो कैसे गए, बोले साहब सुन सुन के हो गए। इतनी तारीफ सुनी है, इतनी प्रशंसा सुनी है, इतनी महिमा सुनी है कि सुन सुन के वो कान के द्वारा हमारे हृदय में उतर गया। इस प्रीति का नाम है तदीयता। जैसा कि रुक्मिणी जी ने द्वारकानाथ को देखा कभी नहीं था, पर जो भी ऋषि महर्षि नारद जी आदि आते थे पुराने जमाने में, राजा महाराजाओं के घर में संत महापुरुष पधारते रहते थे, जो सदाचार संपन्न राजा होते थे। तो भीष्मक जी बड़े भक्त थे, महाभागवत, इसलिए देवर्षि नारद आदि सब आते रहते थे। पर जो संत आते वही द्वारकानाथ की महिमा गाते। रुक्मिणी बालिका थी, जब से हो संभाला द्वारकाधीश की महिमा, बड़े छल छबीले हैं, बड़े नटनागर हैं, बड़े सांवले सलोने हैं, इतनी दीवानी हो गई कि प्रतिज्ञा कर ली अब विवाह करूंगी तो इन्हीं से करूंगी। किन से, बोले देखा नहीं है पर सुना है, दिन रात उन्हीं के बारे में सुनती रहती, और इसलिए पत्र में सबसे पहले यही लिखा, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरई हर तुंग तापम। तब गुणान श्रुत्वा, इन कानों ने आपको इतना सुना है कि सुनते सुनते आप मेरे हृदय में उतर गए, मेरे चित्त की भित्ति पर आपने अपना चित्र बना लिया। अब मैं आपके अतिरिक्त अन्य किसी का स्मरण भी नहीं कर सकती, कल्पना भी नहीं कर सकती। शत जन्म भिष्यात, अंत में कह दिया 100 जन्म लूंगी, परंतु मैं आपके अतिरिक्त और किसी की कभी नहीं हो सकूंगी। ये श्रवण का ये चमत्कार है, इसलिए तो गोपियों ने कहा श्रवण मंगलम।
आपकी कीर्ति श्रवण करने मात्र से जीव का मंगल हो जाता है। करण रंध्र से हरि हृदय में चित्त में उतर आते हैं। यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत, श्रवण से ही तो हरि हृदय में उतरते हैं। और जो चोर लोग होते हैं ना, वो सीधे मेन गेट से कभी आते ही नहीं, खिड़की से आएंगे, किसी न किसी छिद्र से ही घुसते हैं। प्रविष्ट करण रंध्रेण, तो भगवान क्या करते हैं, आपने कहीं ठाकुर जी की झांकी देखी तो देखते देखते आंख की खिड़की से घुस गए, या कि भगवान की कीर्ति कथा किसी से सुनी तो सुनते सुनते कान की खिड़की से कूद गए, किसी न किसी अन्य मार्ग से ऐसी तो हरि हृदय में आते हैं। तो श्रुत्वा गुणान, इसका नाम है तदीयता। मिले नहीं, देखा भी नहीं, केवल सुन सुन के ही उनके दीवाने बन गए। सचिन साहब ने शतकों का शतक लगाया तो लाखों लोगों ने पूरे मोहल्ले में मिठाइयां बटाई। अब किसी मिठाई वाले बांटने वाले से कहो, भैया सचिन साहब से आपका परिचय है क्या, कि रिश्तेदारी है? बोले ना ना, रिश्तेदारी कुछ नहीं है, परिचय भी कोई नहीं है। कभी मिले हो? बोले नहीं मिले भी कभी नहीं, कभी देखा है, देखा भी कभी नहीं। तो ये मिठाई किस खुशी में बांट रहे हो? बोले साहब हम उनके फैन हैं। अब देखिए, जब सामान्य व्यक्ति के एक विशिष्ट गुण में ये चमत्कार है कि उसने कोई उपलब्धि करी तो उसके दीवानों ने भी लाखों की मिठाइयां पूरे मोहल्ले में बंटवाई, जबकि आज तक ना उससे मिले हैं, ना कोई जान पहचान है, कोई लेना देना कुछ नहीं, केवल उनकी दीवानगी का ही तो चमत्कार है। एक गुण है उस पर इतनी दीवानगी है, और जो भगवान अनंत गुण गणों के भंडार हैं, उन प्रभु के यदि दीवाने बन जाएं सुन सुन के संत महापुरुष, तो इसमें कौन आश्चर्य की बात है। पर बिना मिले ही दीवाने बन गए, इस दीवानगी का नाम है तदीयता। पर मन जब किसी का हो जाता है दीवाना, तो फिर उसको पाने के लिए छटपटाता है, वो कब मिले, एक झलक बस देखने भर को मिल जाए। तो मन जब आतुर होने लगा मिलने के लिए, तो एक दिन जुगाड़ बन गई और बात बन गई, कैसे भी हमने टिकट लिया, कुछ भी किया, पर एक झलक हमें एक दिन जिसके दीवाने थे उसकी मिल गई। और जब मुलाकात हुई, भेंट हुई, हमने उनके चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया, अब तो केवल हम तुम्हारे ही हैं कह दिया। तो जिसके दीवाने थे उसके सन्मुख जाके कहने का भी अवसर मिल गया कि हम तुम्हारे हैं, तो इस प्रेम का नाम है त्वदीयता। पहले तो केवल तदीयता थी, अब त्वदीयता हो गई, हम केवल तुम्हारे हैं, आत्मसमर्पण कर दिया, और उन्होंने भी हमें अपना लिया, हमारा पाणी ग्रहण कर लिया, हमें हमारी शरणागति को स्वीकार कर लिया, तो त्वदीयता की स्थिति में आ गए। किंतु अब जिसके हम हो गए, जिससे संबंध बन गया, अब तो जब चाहे तब मिल जाए। उन्होंने अपना परिचय कार्ड दिया या कोई ऐसी वस्तु दी जिससे हम जब चाहें तब उससे मिल सकते हैं, उसने भी हमें स्वीकार किया, हम भी उनके दीवाने होके मिल गए। परंतु जब अतिशय प्रीति हो गई और अतिशय निकटता बढ़ गई, और अब तो इतने निकट हो गए कि अहर्निश उनकी सेवा का भी सौभाग्य मिलने लगा, तो एक दिन वो आया कि हमारे हृदय में भी मदीयत्वाभिमान आ गया कि अब तुम सिर्फ मेरे हो। इसका नाम मदीयता, क्योंकि जिस पर अत्यंत प्रीति होती है तो प्रेमास्पद चाहता है कि ये मेरे हैं तो मेरे ही बन करके रहे। प्रेम गली अति साकरी या में दो न समाए, दूसरे का स्थान नहीं होता। एक गोपी कहती है, प्यारे घनश्याम मैं चाहती हूं कि आप मेरी आंखों में आकर के बस जाओ, और पलकों के किवाड़ में मैं तुम्हें कैद कर लूं, पलक डाल के तुम्हें हृदय में कैद कर लूं, उससे क्या होगा? बोले मेरी आंख बंद हो जाएगी जब मैं पर्दा डालूंगी पलकों का, तो मेरी आंख बंद होगी और आंख के भीतर आप बैठे रहेंगे, तो मैं निरंतर अहर्निश आपको ही निहारूंगी, मुझे दूसरा कोई नजर नहीं आएगा। और दूसरा लाभ यह है कि आप मेरी पलकों में कैद हो जाओगे तो आपको कोई दूसरा देख नहीं पाएगा, इसलिए आप मेरे हृदय में उतर आइए इन नयन मार्ग के द्वारा।
बंसी बारो साबरो पलक ढाक तोहे ले हूं क्यों ना मैं देखूं और को और ना तोहे देखन दे हूं ना मैं देखूं और को ना तुहे देखन देहूं। यह है प्रेम की पराकाष्ठा, इसको कहते हैं मदीयता, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो। तो ये तीन स्थितियां प्रेम की होती हैं और तीनों की परिभाषा अलग अलग है। पहले तो तदीयता, हम तुम्हारे हैं, इसमें दीवानगी तो है परंतु परिचय तो हुआ नहीं है, उन पर भरोसा नहीं कि हम तो उनके हो गए पर वो हमें अपनाएंगे कि नहीं पता नहीं, ये साधारण रति है। भगवान में तदीयता का प्रेम जग जाए ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जगत में तो प्रीति सबकी है, परमात्मा से ये प्रीति प्रगाढ़ हो जाए बहुत बड़ी है, मणि के समान दुर्लभ है। सामान्यतः जितने भी रत्नाभूषण हैं उनमें सर्वोत्कृष्ट स्थान मणि का है, ऐसे ही संसार के प्रेमियों दीवानों के बीच में यदि आप गोविंद के दीवाने हो गए तो मणि के समान आपके प्रेम की सार्थकता है, दुर्लभ वस्तु आपको मिल गई जो भगवत प्रेम आपके भीतर जागा। ये साधारण रति है और इसका स्वरूप है स्वसुख सुखित्वम, मुझे उनका स्मरण करने से परम सुख मिलता है इसलिए मैं उनको याद करता हूं, अपने सुख का प्राधान्य है। और इसका उदाहरण यदि भागवत में देखा जाए तो है सैरंध्री कुब्जा, मथुरा में रहती है, कंस की दासी है, तीन जगह से टेढ़ी है पर गोविंद के बारे में सुनती रहती है इसलिए प्रेम हो गया। और जब प्रेम हुआ तो एक दिन भेंट भी हो गई, और जब भगवान ने एक झटके में सीधी कर दी तो प्रेम और उद्दीप्त हो गया और पीताम्बर पकड़ लिया कि प्रभु पधारो घर, भगवान बोले आएंगे अभी बड़े भैया साथ में हैं बाद में आते हैं, बोलो राधे राधे। रास्ते में हुआ जब उस समय दाऊ दादा और सब साथ में थे, और बाद में भगवान फिर उद्धव जी के साथ उसके घर गए हैं और एक रात्रि विश्राम करके उसका मनोरथ भी पूरा किए हैं, और दूसरे दिन जब चलने लगे तो प्रभु का पीतांबर पकड़ के फिर दुराग्रह करने लगी, महाराज एक दिन और रुक जाते। दसम स्कंध के पूर्वार्ध के अंतिम अध्याय में इसका वर्णन है, परंतु जब आग्रह करने लगी आज और रुक जाओ तो सुखदेव जी उस समय कहते हैं दुर्भगे दमयाचत, वो दुर्भागा सुखदेव जी को सुखदेव जी डांटने लगे उसे, कहते हैं दुर्भगे दमयाचत, दो वो दुर्भागिनी इदम अयाचत भगवान से याचना कर रही है कि आज और रुको, क्यों जी गोपियां भी तो रोक रही थी भगवान को कि आज और रुक जाओ, कहां जा रहे हो, मथुरा जाते समय क्या नहीं किया गोपियों ने रोकने का प्रयास, पर उनके प्रयास में सुखदेव जी मुक्त कंठ उनके प्रेम की सराहना कर रहे हैं, परंतु कुब्जा रोक रही है तो उसको दुर्भगा कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि कुब्जा के रोकने में स्वसुख की भावना का प्राधान्य है, उसकी साधारण रति है वो अपना सुख प्राप्त करने के लिए प्रभु को रोक रही है। तो भगवान से भले ही आप अपना सुख भी मांगे तो बुराई नहीं है, संसार की प्रीति की अपेक्षा तो सर्वोत्कृष्ट प्रीति है कि भगवान से हुई, अरे आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, हमने आशा तो करी पर भगवान से ही तो करी, कोई दुनिया वालों के सामने तो नहीं करी, तो संसार की आशा तो और कष्टप्रद है, संसार से क्या मांगना, मांगना है तो भगवान से ही मांगो, पर अच्छी बात तो यह है कि भगवान से भी कुछ ना मांगो, कदाचित मांग हुई तो भगवान से हुई तो अच्छी है,
सकाम प्रीति भी भगवान से हो तो बुराई नहीं है, कहीं वह प्रीति निष्काम हो जाए तो कहना ही क्या है। गोपियों की प्रीति में परम निष्कामता है, परंतु कुबजा की प्रीति में कामना है, इसलिए सुखदेव जी ने उसको दुर्भगा कहा। अब सुखदेव जी जैसे परमहंस की दृष्टि में तो बहुत ऊंची बात है, पर हम लोग संसार के प्राकृत प्राणियों विषयी प्राणियों की अपेक्षा तो कुबजा बहुत श्रेष्ठ है। वो संसार भगवान से ही तो प्रेम कर रही है, जो मांग रही है भगवान से ही तो मांग रही है, इसलिए हम लोगों की स्थिति में तो कुबजा बहुत श्रेष्ठ है। सुखदेव जी की तुलना में वह निकृष्ट प्रीति है, परंतु इस प्रीति का नाम है साधारण रति, भगवान से प्रेम है। परंतु जब भगवान की सन्निकटता प्राप्त हुई तो हमने आत्मसमर्पण कर दिया, त्वमेव सर्वम मम देव देव, तुम मेरे सर्वस्व हो, आपके अलावा मैं और किसी संसार को नहीं जानती या नहीं जानता। माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्वम मे रामचंद्रो दयालु नान्यम जाने नैव जाने न जाने न अन्यम जाने। यह अनन्य शरणागति। अभी तक तो हम घर को भी देखते थे और उनसे भी और संसार की अपेक्षा सबसे ज्यादा प्रभु से प्रेम करते थे, पर जब उनसे मिलन हो गया तो सारा संसार ही छूट गया। तात मात भ्रात बंधु आपना न कोई, सब छूट गया। ये और भी उत्कृष्ट बात है, इसको कहते हैं समंजसारति। तीन श्रेणी है, साधारण रति, समंजसारति और समर्थारति। तो साधारण रति की परिभाषा है स्वसुख सुखित्वम, और समंजसारति का तात्पर्य है कि हमें उनसे सुख मिल रहा है, हमको बड़ा आनंद आ रहा है, किंतु हमसे भी उनको सुख मिल रहा है कि नहीं, ये सुख का सामंजस्य बैठा है। ऐसा ना हो कि हम तो खूब आनंद ले रहे हैं प्रिय का, पर प्रिय को हमारा आना भार लग रहा है, ये कहां से आफत आई, तो वो उसमें रसाभास हो जाएगा। समंजसारति कब है कि उनको भी हमसे सुख प्राप्त हो गए और हमको भी उनसे सुख प्राप्त हो गए, ये समंजसारति है। ये साधारण रति से श्रेष्ठ है। साधारण रति भगवान में होना ये मणि के समान दुर्लभ है, पर समंजसा रति प्राप्त हो जाना ये तो श्यमंतक मणि के समान अति दुर्लभ है। मणि अपने आप में दुर्लभ होती है, और श्यमंतक मणि जो सत्राजित को उपलब्ध हुई थी, कहानी बहुत लंबी चौड़ी है, या चिंतामणि कहो, चिंतामणि भी बड़ी दुर्लभ वस्तु है, वो सामान्य मणियों से भी परम श्रेष्ठ मणि है। इसलिए समंजसा रति की जो प्रीति है वो और भी श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ है माने साधारण रति श्रेष्ठ, समंजसा रति बहुत श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, और समर्थारति श्रेष्ठतम, श्रेष्ठ श्रेष्ठतर श्रेष्ठतम, गुह्य गुह्यतर गुह्यतम, ऐसे। तो समंजसारति का उदाहरण दृष्टांत श्रीमद् भागवत में है, भगवान की पट्ट महसी, द्वारका की पटरानिया भगवान का बहुत ख्याल करती है और भगवान से भी सुख प्राप्त करती है, वहां समंजसारति का दर्शन होता है। कुबजा की साधारण रति है, वो सिर्फ अपने सुख पर ध्यान केंद्रित है, भगवान के माध्यम से अपना सुख ज्यादा सोचती है, पर समंजसारति द्वारका की पटरानियों में है, जो भगवान को भी परम सुख देती हैं और भगवान से भी सुख प्राप्त करती है। किंतु जो तीसरी प्रीति है उसका नाम है समर्थारति, और समर्थारति के उदाहरण में एकमात्र हैं ब्रज की गोपियां।
जिस समर्था रति की परिभाषा है तत् सुख सुखित्वम, केवल हमारे प्यारे सुखी रहें, जहां भी रहें जैसे भी रहें परंतु प्रसन्न रहें, ये जो भाव है ये समर्था रति है। ये सर्वोत्कृष्ट प्रीति की, इसमें मदीयत्वाभिमान रहता है, तुम सिर्फ मेरे हो, या तदीयता नहीं त्वदीयता नहीं, या तो मदीयता। गोपियां गोविंद पर अपना अधिकार पूरा मानती हैं और हमारे अतिरिक्त हमारे प्यारे कहीं अन्य को क्षण भर को निहार भी लें तो असह्य हो जाए, बर्दाश्त न हो, क्योंकि सिर्फ मेरे हैं। परंतु उस मदीयत्वाभिमान जो गोपियों में है उसका मूल उद्देश्य क्या है कि इनको सुख कैसे पहुंचे, इनको प्रसन्नता कैसे प्राप्त हो, वो कैसे भी मिले। यद भगवान द्वारका चले गए, भगवान मथुरा चले गए, तो वृंदावन से मथुरा तो दूर नहीं है, और परसों की कह के गए हैं कि आज जाऊंगा कल मेला देखूंगा परसों वापस आ जाऊंगा। सांत्वया मास सब प्रेमी आयास्य इति दौत्य कही, दो दिन में आ जाऊंगा ऐसा कह के गए थे, और परसों की जगह आज बरसों बिता दिए, लौट के नहीं आए। तो एक भी गोपी एक भी दिन द्वारका माने मथुरा में जाके शिकायत करने नहीं पहुंची कि तुमने हमारे साथ धोखा दिया, हमसे छलावा किया, प्रेम का नाटक हमसे किया और हमारे इतने बगल में बैठे हो, एक दिन भी आने की फुर्सत नहीं मिली। कोई किसी ने शिकायत नहीं करी, अरे शिकायत ना भी करती तो कम से कम स्वयं अपना आनंद लेने के लिए मिलने तो जा सकती थी, दर्शन कर जाती। जिन गोपियों को पलक गिरने का व्यवधान भी कृष्ण दर्शन में युग के समान बीतता है, इतना आनंद कृष्ण दर्शन से मिलता है, तो उस आनंद को पाने के लिए यदि मथुरा में जाकर के उनको न लाए वो न आए तो अपना आनंद पाने के लिए तो जा सकती थी, दर्शन कर आती, पर कभी नहीं गई, जबकि 14 वर्ष तक मथुरा रहे। भगवान 4 वर्ष गोकुल में रहे, 6 वर्ष वृंदावन में रहे, 14 वर्ष मथुरा में रहे और 100 वर्ष द्वारका में रहे, ऐसे कुल मिला के 125 वर्ष हुए। 125 वर्ष तक की भगवान की ये धराधाम की लीला है, पर क्यों नहीं गई? गोपियों का ये भाव है कि यदि हम मथुरा चली जाएं, हम ठहरी अनपण गमार ग्वालिनी, और सुना है कि मथुरा में कंस को मार के हमारे गोविंद की बड़ी महिमा हो गई, वो तो बहुत बड़े राजा बन गए, मथुराधीश हो गए और बड़े बड़े लोग उनके आगे पीछे सेवा में डोल रहे हैं। अब हम कहीं मिलने गई और उनको हमसे मिलने में यदि लज्जा लगी संकोच लगा, ये कहाँ की आ गई, अब मैं इनका क्या परिचय कराऊं, उनके सामने कोई धर्म संकट उपस्थित हो गया तो जीवन भर की हमारी आराधना व्यर्थ हो जाएगी। इसका नाम है तत् सुख सुखित्वम, माने अपना परम सुख भी त्याग दिया इस संकोच में कहीं उनको कष्ट ना हो। ये सर्वथा रथी है। इसलिए गोपी शब्द का अर्थ है गो ही इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिवती, जो अहर्निश केवल श्री कृष्ण के प्रेम रस का ही निरंतर पान करे उसका नाम गोपी है। और ये प्रेम की चरम सीमा है, इसलिए रसिकों ने कहा गोपी प्रेम की ध्वजा। प्रेम जगत में गोपियां ध्वजा के स्थान पर विराजमान है, देवालय मंदिर सर्वश्रेष्ठ स्थान होता है, मंदिर में भी जो शिखर होता है वो और भी श्रेष्ठ होता है, ऊपर होता है, ऊंचा होता है, पर शिखर से भी ऊपर होती है उसकी ध्वजा,
ध्वजा के ऊपर कोई नहीं होता। तो रसिक जन कहते हैं गोपी प्रेम की ध्वजा, प्रेम जगत में गोपियों का स्थान ध्वजा के समान है, माने जिसके ऊपर कोई नहीं। तो ऐसी ब्रज की गोपियां प्रभु से अत्यंत प्रीति करने वाली हैं, जो केवल अपने प्यारे के सुख में ही अपने को सुखी मानती है। तो भगवान की जो प्रीति गोपियों से है, ये गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं है। गर्ग संहिता आदि ग्रंथों में गोपियों के भेदोपभेदों का वर्णन है, कितनी प्रकार की गोपियां हैं, श्रुति रूपा, ऋषि रूपा, साधन सिद्धा, कृपा सिद्धा, नित्य सिद्धा, गोलोक वासिनी, दंडकारण्य के संत, मिथिलापुर की नारियां, यज्ञ सीता आदि आदि अनेकानेक साधक जिन्होंने भी प्रभु से प्रेम किया अन्य अवतारों में कभी भी कहीं भी, उन समस्त रसिकों को भगवान ने आज ब्रज में बुला लिया गोपी के रूप में, अपना अलौकिक अनुपम अद्भुत रस प्रदान करने के लिए। उसी का नाम है रास, रसानाम समूहो रासः। रस रूप जो परमात्मा है, प्रभु ने इस महारास के माध्यम से वह अनुपम अपना अद्भुत रस रसिकों को जो वितरण किया है, दान किया है, उसी का नाम है महारास। बोल रास बिहारी भगवान की जय। और उसका आज काल उपस्थित तो हो गया, चिर प्रतीक्षित ब्रज गोपियां हैं, एक दो वर्ष की प्रतीक्षा नहीं है, जन्मांतर की प्रतीक्षा है, जन्म जन्म से इस काल की प्रतीक्षा में ये ब्रज गोपियां एक एक क्षण गिन रही थी। राम जी जब दंडकारण्य में विचरण कर रहे थे तो बड़े बड़े सिद्ध महात्मा जो वन में निवास करके तपस्या से शरीर को तपा रहे थे, उन्होंने रघुनंदन रामभद्र का दर्शन किया तो विमुग्ध हो गए। वर्णन आता है, पुरा महर्षय सर्वे दण्यकारण्यवासिनः ते सर्वे स्त्रीत्वमापन्नः भोक्तुम् इक्षन्स विग्रहैः। राघव के वह तापस रूप को जब तपस्वियों ने देखा, दण्यकारण्य के वीतराग संतों ने देखा, ब्रह्मविद वरिष्ठों ने देखा, तो अभी तक तो ब्रह्मानंद में डूबे रहते थे, समाधि अवस्था में ब्रह्मानंद की अनुभूति किए, पर वही ब्रह्मानंद जिसकी अनुभूति हो रही है, वही ब्रह्म जो निर्गुण निराकार था, वो जब सगुण साकार होके सन्मुख आया तो हठात चित्त उसमें खिंचने लगा, क्योंकि महात्मा जब देखते हैं राम जी को और चित्त उनमें खिंचने लगता है तो बड़े दुविधा में पड़ जाते हैं। हम तो अभी तक नाम रूप मिथ्या कहते गए और ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या का उद्घोष करते रहे, ये सब झूठा है कहते रहे, पर आज तो इस रूप में हम दीवाने हुए जा रहे हैं, हमारा ब्रह्मानंद फीका पड़ रहा है, क्या करें। राम जी जबकि कोई श्रृंगार करके नहीं है, तापस वेश विशेष उदासी, एकदम तपस्वियों जैसा वेश है, बलकल वस्त्र आदि धारण किए हुए हैं, जटा जूट सिर पर लगाए हुए हैं, कोई श्रृंगार नहीं है, सहज सौंदर्य है राम जी का, परंतु वह सहज सौंदर्य इतना आकर्षण कर रहा है कि बड़े बड़े महात्मा दीवाने होते जा रहे हैं और मन में श्रृंगार का भाव उदय होने लगता है, मन में जागने लगता है कि हे भगवान, आपने हमें नारी शरीर क्यों नहीं दिया, यदि हम नारी होते स्त्री होते तो निश्चित रूप से इन्हीं का वर्ण कर लेते। ते सर्वे स्त्रीत्वमापन्नः, जब वीतराग सन्यासियों का ये हाल है जिन्होंने अपनी संसार की विषय वासना को सर्वथा एकदम क्षीण कर लिया है, तपस्या में अपने शरीर को तपा तपा करके परम निष्काम निर्विकार हो चुके हैं, उन परम निष्काम निर्विकार संतों के शुद्ध चित्त में श्रृंगार का उदय होने लगा, राम जी को देख करके आश्लेष करने का दिव्य भाव जागृत होने लगा, तो सोचिए राम जी कितने मनोहर रहे होंगे।
तो राम जी मुस्कुराए और संतों को संकेत दिए कि महात्माओं, इस समय हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, मर्यादा की बेड़ी में इस समय जकड़े हुए हैं, इसलिए हम तुम्हें हृदय से तो नहीं लगा पाएंगे। जिस भाव से आप हमको आश्लेष करना चाहते हो नहीं कर दे पाएंगे, पर हाँ, आप सब ब्रज की गोपियां बन के आओ, तब हम तुम्हारा मनोरथ अवश्य मेव पूर्ण करेंगे। तो पुरामर्षय सर्वे दण्यकारण्यवासिनः, वे दण्यकारण्य के वीतराग संत आप ब्रज की गोपियां बन करके पधारे हुए हैं। अरे संत तो विशुद्ध, संत विशुद्ध हैं, उनमें यदि प्रेम जगा तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि चित्त शुद्ध है। चित्तम चित विजानीयात् तकार रहतो यदि, चित्त में दोता है, परंतु इस दोता में से एक यद निकल जाए तो यही चित हो जाता है। चित माने ज्ञान, भगवान चिदानंद रूप है, चिदानंदमय देह तुम्हारी, तो सत घन चित घन आनंद घन परमात्मा है। अब हमारा चित्त जो विषयों से भरा है उसमें से एक तकार निकल जाए, वो तकार कैसे निकलेगा? तकारो विषयाध्यास, जो विषयाध्यास हो गया है चित्त में, निरंतर विषयों का संपर्क से चिंतन करते करते विषय का चिंतन चालू हो गया है, यही विषयाध्यास है। और जब विषय का चिंतन निकल जाएगा तो तकार का विलोप हो जाएगा, और चित्त में से एक तकार का विलोप हुआ कि वह केवल फिर विशुद्ध चित्त बन के ही रह जाता है, माने परम विशुद्ध हो जाता है। तो चित्त में से तकार में का विलोप होगा कब? जब सनई सनई विषय निकल जाए। परंतु चित्त में से विषय निकालना इतना सरल नहीं है। तो क्या, कैसे निकलेगा? बोले चित्त चोर को बैठाओ, विषय अपने आप भाग जाएंगे। दो में से एक ही बैठ सकता है भाई। तो अभी विषय बैठे हैं, और जब बिहारी जी बैठेंगे तो विषय भाग जाएगा। पहले काली नांग घुसा था काली हृदय में, कन्हैया ने मार मार के भगा दिया, तो कन्हैया का अब क्रीड़ा स्थल काली देह बन गया, कन्हैया खेलने लगे। जहां काम तह राम नहीं, जहां राम नहीं काम, तुलसी कबहु न रह सके रवि रजनी एकठाम। दोनों एक साथ नहीं रह सकते, विषय को भागना पड़ेगा। तकारो विषयाध्यास, विषयाध्यास जब चित्त से विगत हो जाता है सोई केवल चित्त चोर ही एकमात्र चित्त में बसता है। तो संतों के साथ वही हुआ, संतों के हृदय में हरि में प्रीति हो, आश्चर्य नहीं, आश्चर्य तो इस बात का, राक्षसों में भी प्रेम उमड़ पड़ता है। जिस समय सूपनखा को कुरूपा करके भगाया राम जी ने, तो रोती रोती खरदूषण के पास गई, बहुत रोई, भैया ये मेरी नाक नहीं कटी, तुम भाइयों की नाक कटी है, इतने शक्तिशाली भाइयों की बहन और नासिका विहीन होकर के घूम रही है अपने ही क्षेत्र में, परदेश की बात नहीं है, ये हम लोगों का क्षेत्र है, पूरा महाराष्ट्र हम लोगों का, जहां साम्राज्य था वहां पर इस राजकुमार ने मेरी नाक काट दी। खरदूषण को सोचिए कितना क्रोध आया होगा। राक्षसों में प्रभाव स्वभावतः तमोगुण होता है, और वो तो फिर रावण के समान शक्तिशाली था। खरदूषण मोहिसम बलवंता, ये रावण कह रहा है, रावण जिसकी शक्ति का लोहा माने कोई साधारण राक्षस नहीं हो सकता। भयंकर क्रोध में भर करके आया कि छोड़ूंगा नहीं, बहन तुम्हारे साथ जिसने ये दुर्व्यवहार किया वो मेरे से बचेगा नहीं। पर जैसे ही आया तो उधर भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा, जानकी जी को भीतर ले जाओ, नहीं डर जाएंगी राक्षसों को देखकर। तो किशोरी जी को लक्ष्मण जी तो गुफा में सुरक्षा की दृष्टि से ले गए, और पूरा राक्षसों का कटक भगवान को चारों तरफ से घेर लिया। जैसे ही राक्षसों ने राम जी पर हमला बोला, खरदूषण तुरंत बोला, रुको 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 रुको, क्यों, क्या हो गया? शत्रु वो खड़ा है, सूपनखा कह रही है इसी ने मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है। खरदूषण टुकुर टुकुर देखता रह गया।
और आपस में बोले भैया हमारी इतनी उम्र हो गई, मैंने लाखों शत्रुओं को मौत के हवाले किया, पर ऐसा प्यारा दुश्मन पहली बार मिला। दुश्मन में कहीं प्रेम होता है? पर खरदूषण कह रहा है काम तो इसने बहुत गलत किया है कि मेरी बहन को जो सुरूपा थी उसे कुरूपा कर दिया। पर कितना भी बड़ा अपराध इसने क्यों ना किया हो, है बहुत प्यारा इसलिए मारने योग्य नहीं है। यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, यद्यपि बदलायत नहीं पुरुष अनुपा, बदलायत नहीं पुरुष अनुपा, यद्यपि भगनी कुईन कुरूपा, यद्यपि के विचार हैं। यद्यपि इसने हमारी भगनी को कुरूपा कर दिया है, फिर भी बदलायक नहीं, ये बद के योग्य नहीं है। क्या कारण क्या है? पुरुष अनुपा, अनुपम पुरुष है, अद्वितीय पुरुष है। अब जरा सोचिए, जब राक्षसों के हृदय पर भी जहां दया धर्म है ही नहीं, वो भी राम जी को देखकर इतने दीवाने हो सकते हैं, तो विशुद्ध चित्त वाले संत यदि दीवाने बन जाएं तो कौन आश्चर्य की बात है। और जब इनके तापस वेश में ये चमत्कार है, तो जब दूल्हा सरकार बन के मिथिला में गए थे तब क्या हाल हुआ होगा। यहां तो कोई श्रृंगार भी नहीं है। जब बिना श्रृंगार के इतना आकर्षण है, तो दूल्हा बनने में तो बहुत सज धज के गए होंगे। वैसे तो भगवान आभूषण जो धारण करते हैं वो अपने को सजाने के लिए नहीं पहनते। परम पदम भूषण भूषण अंगम, भगवान के श्री अंग में आकर के आभूषण विभूषित होने लगते हैं, आभूषणों की शोभा बढ़ने लगती है भगवान के श्री अंग में पहुंच करके। किंतु फिर भी सचमुच यद जटाजूट वाले राम जी की अपेक्षा जब सज धज के छल छबीले राजकुमार बन के गए होंगे, तो मिथिलापुर के नर नारियों का क्या हाल हुआ होगा। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने दूल्हा राम जी का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। वो दूल्हा वेश के ही उपासक थे, राम जी को अपना बहनोई मानते थे, किशोरी जी से भगनी संबंध था, किशोरी जी को जानकी जी को अपनी छोटी बहन मानते थे, इसलिए राम जी को दूल्हा। तो उनके जितने भी ग्रंथ हैं, प्रेम रामायण उनकी रचना है, तो तुलसीकृत रामचरित मानस की ही तरह 8 कांडों में बहुत विस्तृत उन्होंने अद्भुत प्रेम रामायण का वर्णन किया। उसमें प्रेमियों का ही भाव, भरत जी के प्रेम का वर्णन, मिथिलापुर के नर नारियों का जो प्रेम है उसका वर्णन है। एक प्रेम वल्लरी नाम का ग्रंथ है, प्रेम वल्लरी, विनय वल्लरी, ध्यान वल्लरी, विरह वल्लरी, इस प्रकार से उनके बहुत से ग्रंथ हैं। प्रपत्ति दर्शन नाम का एक ग्रंथ है, जिसमें शरणागति का स्वरूप कैसा उसका बहुत विस्तार से वर्णन है। तो प्रेम वल्लरी का एक पद है, जिसमें दूल्हा राम जी के रूप सौंदर्य का वर्णन मिथिलापुर के नर नारी आपस में कर रहे हैं। अरे सिय पिय प्यारे की मूरतिया, सिया के पिया, उनकी मूरत, उनकी सूरत कितनी प्यारी है। अरे सिय पिय प्यारे की मूरतिया, मन को मोहाए जाए रे, सिय पिय प्यारे की मूरतिया, मन को मोहाए जाए रे, सिय पिय प्यारे की सूरतिया, मन को मोहाए जाए रे, सिय पिय प्यारे की सूरतिया, मन को मोहाए जाए रे। ओ नख सिख दे
सर्वांग युगल छवि नख सिख दे सर्वांग युगल छवि नख सिख दे सर्वांग युगल छवि नख सिख दे सर्वांग युगल छवि लोचन लोल लुभाए जाय रे लोचन लोल लुभाए जाय रे सिया पिया प्यारे की मूर्तिया मन को मोहाए जाय रे सिया पिया प्यारे की मूर्तिया मन को मोहाए जाय रे सीता वल्लभ की सुरतिया मन को मुहाए जाय रे सीता वल्लभ की सुरतिया मन को मुहाए जाय रे ओ छोड़ कपोलनी अलक नगनिया छोड़ कपोलनी अलक भगवान की घुंघराली अलकावलियां हैं उन घुंघराले केसों में कोई अलक और छूट करके कपोलों पर लहराने लगती है नागिन की तरह डोलती है रसिकों के चित्त में नागिन बन करके उनके चित्त को मानो डस लेती है छोड़ कपोलनी अलक नगनिया छोड़ कपोलनी अलक नगनिया अंग अंग मोर डसाए जाय रे अंग अंग मोर डसाए जाय रे सिया पिया प्यारे की मूर्तिया मन को मुहाए जाय रे प्यारे की मूर्तिया मन को मोहाए जाय रे ओ राधा वल्लभ की सुरतिया मन को मोहाए जाय रे ओ राधा वल्लभ की सुरतिया मन को मोहाए जाय रे ओ अंजन अंजी त्रिगन की चितवनी अंजन अंजी त्रिगन की चितवन गजराजे नयनों की चितवन अंजन लगा है जिन कालों जिनका जिन आंखों में ऐसे अंजन से अंजी हुई नयनों की तिरछी चितवन से अंजन अंजी त्रिगन की चितवन अंजन त्रिगन की चितवन पर बस चेत चुराए जाए रे पर बस चेत चुराए जाए रे ओ सिया पिया प्यारे की मूर्तिया मन को मुहाए जाय रे सिया पिया प्यारे की मूर्तिया मन को मुहाए जाय रे ओ दुल्हा प्यारे की सुरतिया मन को मुहाए जाय रे दुल्हा प्यारे की सुरतिया मन को मुहाए जाय रे बनाए करो का बावरी दई पागल बना दिया बनाए करो का बावरी दई बनाए करो का बावरी दई बनाए करो का उर बिच कहर मचाए जाए रे
सिंधु निमज्जत सिंहासन अमृत सिंधु निमज्जत श्रीहर्षण अमृत सिंधु निमज्जत श्रीहर्षण अमृत सिंधु निमज्जत आनंद अधिक अघाय जाय रे पिया प्यारे की मूर्तिया मन को मोहाए जाए रे पिया प्यारे की मूर्तिया दुल्हा प्यारे की सुरतिया मन को मोहाए जाए रे दुल्हा प्यारे की सुरतिया मन को मोहाए जाए रे मन को मोहाए जाए रे बोल दुल्हा सरकार की जय बोर मुकुट वंशी वारे की जय। तो तापस भेष में तो साधु संत रीझे दूल्हा भेष पर सब नर नारी रीझ गए। जनक जी ज्ञानियों में परम श्रेष्ठ हैं, बड़े बड़े परमहंसों की परीक्षा लेते हैं और एक से एक दिव्य उच्च कोटि के साधु संत जनक जी के दरबार में आए दिन पधारते रहते हैं। पर उन जनक जी ने जब पहली बार राम जी को देखा तो वो भी बावले हो गए। भयउ विदेह विदेह विसेखी, विदेह राज आज विदेह हो गए, देह का भान नहीं रहा। और गुरु जी से पूछने लगे, विश्वामित्र जी के साथ में आए थे राम जी, उनसे पूछने लगे महाराज ये कौन है, ये ऋषि कुमार हैं कि राजकुमार हैं? धनुष बाण देख करके लगता है कि राजकुमार हैं, परंतु जिस ढंग से वो बाबा जीओं के साथ घूम रहे हैं लगता है कोई ऋषि कुमार हैं। तो विश्वामित्र जी भी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी है तो महात्मा भी ज्ञानी, जनक जी भी परम ज्ञानी, तो ज्ञानी ज्ञानियों में बातें होने लगी। जनक जी ने कहा जब ज्ञानी हो तो अपनी ज्ञान की आंख खोल के देखो कौन है, ज्ञान दृष्टि से पहचानो कौन है। तो जनक जी को कहना पड़ा गुरुदेव सच कहूं हम ज्ञानियों में सर्वोत्कृष्ट यदि आनंद है तो ब्रह्मानंद है, उससे ऊपर कोई आनंद हो नहीं सकता। परंतु इस सुंदर रूप को देखकर मेरा आज आनंद जो ब्रह्मानंद था वो थोड़ा फीका फीका सा लग रहा है। इनहीं बिलोकत अति अनुरागा, इनहीं बिलोकत अति अनुरागा, जनक जी जैसे ज्ञानी कह रहे हैं। इनहीं बिलोकत अति अनुरागा, बिलोकत अति अनुरागा, पर बस ब्रह्म सुख ही मनु त्यागा, पर बस ब्रह्म सुख ही मनु जनक जी कह रहे हैं बरबस मेरा ब्रह्मानंद भी इनको देखकर थोड़ा फीका पड़ रहा है। तो जब ब्रह्मविद वरिष्ठ महापुरुषों की हालत ये हो रही है, इन्हें विलोकत अति अनुराग,
सहज विरागी मेरा मन था, नाम रूप से मिथ्या मान करके जगत से एकदम विषय मन विषय मुक्त निर्विषय मेरा मन था, विशुद्ध मेरा मन था। परंतु वह बैरागी मन इनको देखकर आज अनुरागी होता चला जा रहा है। इन्हें विलोकत अति अनुरागा, अनुराग भी सामान्य नहीं, अति अत्यंत जबरदस्त अनुराग की प्रीति मेरे हृदय में प्रकट हो रही है, जो आज पहली बार जीवन में ऐसा हुआ। गुरुदेव ने कहा, हाँ काफी ठीक समझ रहे हो, पहचानने की और कोशिश करो। बोले गुरुदेव, थोड़ा आप भी तो कुछ संकेत दो। तो गुरुदेव ने कहा, ये प्रिय सब ही जहां अलग प्राणी मन मुस्काही राम सुन बाणी। गुरुजी ने संकेत दिया, ये प्रिय सब ही जहां अलग प्राणी, सृष्टि में जहां तक जीव जंतु हैं, प्राकृत क्षेत्र में प्रकृति की सीमा में जितने भी चराचर जीव जंतु प्राणी मात्र को ये बड़े ही प्यारे लगते हैं, ये इनका परिचय है। और राम जी मुस्कुरा रहे मन ही मन, ज्ञानियों की बातें देखो, वो पूछ रहे हैं ये कौन है, हमारे गुरुदेव मौन है और बोल भी रहे तो क्या परिचय दे रहे हैं, ये सबको प्यारे लगते हैं। अब जरा देखिए, विश्वामित्र जी ने वेदांत की दृष्टि से बहुत बढ़िया परिचय दिया है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति विशेष कितना भी बुद्धिमान हो, कितना भी राष्ट्रभक्त हो, पर वो सबका प्रिय नहीं हो सकता। भले ही उसने राष्ट्र को बुलंदियों तक पहुंचा दिया हो और पहुंचाने का दिन रात प्रयास करता हो और 24 घंटे में 18 घंटे काम करता हो, पर फिर भी वो सबका प्यारा बन जाएगा, ये कहना बड़ा कठिन है। कोई ना कोई तो उसका विरोध करने वाला होगा। तो परिचय ये कैसे सार्थक माना जाए कि ये सबको प्यारे हैं? तो परिचय में विश्वामित्र यही संकेत दे रहे हैं कि ये परिभाषा केवल परमात्मा पर घटित होती है, आत्मा के ऊपर। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, सर्वाधिक प्रीति व्यक्ति अपनी आत्मा से करता है, आत्मा सबको बड़ी प्यारी लगती है। और ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं, ये सबके परमात्मा हैं, परमात्मा है। तो परमात्मा के रूप में परिचय देना चाह रहे हैं और परमात्मा का यही परिचय है, ये प्रिय सब ही, सबको प्यारे लगते हैं। परमात्मा का आनंद स्वरूप, आनंदम ब्रह्म, वो परमात्मा आनंद स्वरूप है। संसार में ऐसा कौन प्राणी है जो आनंद ना चाहता हो? आपको खट्टा पसंद है, हमको मीठा पसंद है, इनको चटपटा पसंद है, इनको गर्मा गर्म पसंद है, सबकी पसंद अलग अलग हो सकती है। रुचि नाम वैचित्र्य, रुचि भिन्न भिन्न है, परंतु ये कोई नहीं कह सकता कि हमको आनंद पसंद नहीं, हमको सुख में कोई श्रद्धा नहीं। सुख और आनंद सबको प्रिय लगते हैं, सबको अच्छे लगते हैं। और भगवान कौन है? सच्चिदानंद रूपाय, आनंद स्वरूप है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद। भगवान आनंद के महासमुद्र हैं। संसार में जो भी आनंद दिखता है वो सिंधु की मात्र एक बिंदु है, पर उस एक बिंदु में सब दुनिया दीवानी हो रही है। परंतु कहीं महासिंधु प्राप्त हो जाए फिर तो कहना ही क्या है। जो आनंद सिंधु, आनंद के महासमुद्र हैं भगवान, सागर है। इसलिए सबका आकर्षण होता है। विदेह इस सिंधु को देखकर विदेह हो गए, ब्रह्मानंद फीका पड़ गया। और देखो, विषयी पुरुषों का मन विषयों में रचा पचा है, वो विषय छोड़ने को तैयार नहीं। इससे ऊपर वो आनंद कुछ और भी होता है, उन्हें पता भी नहीं। एक कीचड़ में लिपटे हुए गंदे सुगर को देखकर
नारद जी के मन में करुणा जागृत हो गई, अरे जीव बिचारा कैसे नरक में पड़ा हुआ है। तो उसको बुलाया, भाई हमें तुम पर बड़ी दया आ रही है, तुम्हारी दुर्दशा देखी नहीं जा रही है, तुम चाहो तो हम अपने पुण्य से तुम्हें वैकुंठ लेकर के चल सकते हैं, बोलो चलोगे? सुगर बोला हाँ चले चलेंगे, पर ये तो बताओ वैकुंठ है क्या चीज है? अब नरकस्थ जीव क्या जाने वैकुंठ के आनंद का, अरे भगवान का धाम है, नित्य धाम है, अविनाशी धाम है, साक्षात प्रभु का निरंतर अपरोक्ष साक्षात्कार मिलेगा, निरंतर उनका आनंद में तुम डूबे रहोगे। सुगर ने प्रश्न किया, तो यहां से भी अधिक कीचड़ प्राप्त होगा, यहां थोड़ा सूख जाता है कभी कभी तो आनंद नहीं आता, ऐसा कीचड़ मिले जो कभी ना सूखे, उसी में पड़ा रहूं मस्त। नारद जी ने नाक भौं से कवर दिया, अरे क्या मूर्खता की बात करता है, ये गंदगी का वहां कोई काम नहीं है। सुगर ने कहा, जब कीचड़ ही नहीं होगा तो आनंद क्या खाक होगा, हमको नहीं चाहिए, क्योंकि जो आनंद यहां है वो दुनिया में कहीं हो ही नहीं सकता। तो नरकस्थो भी देहम वही नपमान त्यक्तुम इच्छति, हमारी दृष्टि में जो नारकीय जीवन जी रहा है विषयों में लिपटा हुआ, पर उस विषयी पुरुष को देखो, उसको तो वही आनंद मिल रहा है, वो इससे अधिक आनंद की कल्पना नहीं कर सकता। तो भगवान को लगा कि निर्गुण निराकार रूप में जो ज्ञानी जन हैं, वो तो हम तक प्राप्त हो सकते हैं, अंतर्मुखी होकर के हमको भीतर ढूंढ सकते हैं, पर सामान्य जीव तो नहीं ढूंढ पाएगा। तो वो निर्गुण ब्रह्म ही सगुण साकार बन के प्रकट हो गया, और सगुण साकार बन करके हमारी विषयी मन को जबरदस्ती खींचने लगे, कर सती थी कृष्ण, हमारा मन तो उधर जा नहीं रहा था, तो अपनी मंद मुस्कान से, अपनी चितवन से, अपनी भ्रकुटी से हंस करके फिर भी मन नहीं खिंचा, तो बंसी बजा करके, बंसी में फंसा करके, कैसे भी करके ये जीव मेरी तरफ आवे। तो जैसे डोर में मछली को फंसाया जाता है मल्लाह के द्वारा, ऐसे ही वो जो कांटे में आटा लगा के मछली फंसाई जाती है ना, उसको मल्लाहों की भाषा में बंसी कहते हैं, बंसी वो टेढ़ी, वो जो कांटा है ना उसको बंसी कहते हैं, बोले बंसी में मछली फंस गई, ऐसा बोलते हैं बोलो। तो जैसे उस कांटे की बंसी में मछली फंसती है, ऐसे ही बंसीवारी की बंसी हम जीवों के मन को फंसाने के लिए भगवान ने धारण कर रखी है। कृष्ण शब्द में का के नीचे जो री लगाई जाती है ना, बिल्कुल उसकी आकृति बंसी जैसी ही होती है, कांटे जैसी ही होती है, उसी में मछली फंसती है। तो विषयों के इस रस में हमारा मन रूपी मत्स्य डूबा हुआ है, मछली की तरह मस्ती, जैसे मछली पानी में मस्त रहती है, ऐसी विषयों में संसार में ये मन उछाले भर रहा है, और भगवान इस मन को अपना बनाना चाहते हैं। तो कैसे बनाए, इसको कुछ तो प्रलोभन देना पड़ेगा, तो बंसी बजा के अपनी रूप माधुरी का चस्का दे करके विषयी जीवों का मन खींचने के लिए ही भगवान का अवतार हुआ है। भगवान का अवतार राक्षसों को मारने नहीं हुआ, ये काम तो कोई भी कर सकता था, भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मूल कारण है भक्तों का चित्त चुराना, परित्राणाय साधु नाम, मूल उद्देश्य यह है, और जब आते हैं तो विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का भी विनाश कर जाते हैं, पर वो दूसरे नंबर पर है। मुख्य प्रयोजन तो भक्तों को आनंद देना है, राक्षसों को मारने का काम तो हमारे हनुमान जी कर सकते थे, अतुलित बल धामम है, उनके लिए कौन बड़ी बात है। तो जब हनुमादिक भगवान के सेवक हैं, वही जब सब काम कर सकते हैं, तो फिर राम जी को आने की क्या आवश्यकता है। यदि राक्षसों को मारना ही था, हनुमान जी से पूछा गया, हनुमान जी ने जामवंती जी से पूछा कि समुद्र के तट पर हम लोग खड़े हैं, अब समस्या है समुद्र पार करके लंका में जाने की, तो जब का चुप साध रहे हो बलवाना, हनुमान जी से कहा तुम चुपचाप क्यों बैठे हो, कुछ करो। हनुमान जी को जब स्वरूप का ज्ञान हुआ तो अतुलित बल धामम रूप प्रकट किया, और फिर पूछा जामवंत में पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजो मोही, मुझे बताइए क्या करना है। तो जामवंत जी ने अचानक कह दिया, अच्छा तुम क्या कर सकते हो ये बताओ। हनुमान जी बोले हम क्या कर सकते,
यदि आपकी आज्ञा हो तो अभी समुद्र पार करके लंका में जाऊं और जिस त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है वो सारे त्रिकूट पर्वत को ही उठा करके उल्टा करके जल समाधि सारे राक्षसों की लगा दूं। रावण को तत्काल मार के किशोरी जी को लाके तुरंत राम जी से मिला दूं। और या तुम ये कहो कि नहीं राम जी ही मारेंगे रावण को, तो रावण के गले में रस्सी डालकर घसीट करके लाके राम जी के चरणों में पटक दूं। अब राम जी चाहे मारे चाहे तारे, जो कुछ करना वो करते रहे, रावण उनके चरणों में पड़ा होगा, आप आज्ञा दो। जामवंत जी घबरा गए, ये तो बहुत खतरनाक है भाई, केवल कह नहीं रहे कर भी सकते हैं। तब तुरंत नियंत्रित किया, नहीं नहीं ऐसा मत करना भाई, कुछ नहीं करना तुम्हें। तो बोले इसीलिए तो पूछ रहा हूं, तुम बताओ फिर क्या करना है। बोले तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि जानकी जी कहां है किस हालत में, केवल पता लगा के आ जाओ और कुछ भी मत करना। यदि नियंत्रण न किया होता तो रामकथा वहीं पूरी हो जाती। ये हनुमान जी का अद्भुत पराक्रम है। तो उसके रावण को मारने के लिए जब हनुमान जी पर्याप्त थे तो राम जी क्यों आए। मर्त्यावतारस्त्व मर्त्य शिक्षणम्, पंचम स्कंद में हनुमान जी राम जी से कह रहे किम पुरुष खंड में जो वर्णन आया है, तो हनुमान जी राम जी की स्तुति में कह रहे हैं मर्त्यावतारस्त्व मर्त्य शिक्षणम्, मानव रूप में आपने जो अवतार लिया है वो मानवों को मानवता की शिक्षा देने के लिए। एक मानव का मर्यादित चरित्र कैसा होना चाहिए, ये प्रवचन के द्वारा नहीं आचरण के द्वारा आपने समाज को उपदेश दिया, मर्यादा का पाठ सिखाया। तो विषयी जीव के चित्त को चुराने के लिए, मन का हरण करने के लिए हरि के विविध अवतार होते हैं, इसलिए मूल उद्देश्य परित्राणाय साधु नाम। तो जो दंडकारण्य के संत मोहित हुए और मिथिलापुर की जो नारियां मोहित हुईं, और जब भगवान ने राम राज्य स्थापित कर लिया और किशोरी जी वन में चली गई तो बड़े बड़े यज्ञ करवाए, ब्राह्मणों ने कहा बिना पत्नी के तो यज्ञ नहीं होगा, तो स्वर्ण प्रतिमाएं जानकी जी की बना करके प्राण प्रतिष्ठित करके राम जी ने यज्ञ किया। वे स्वर्ण प्रतिमाएं प्रकट होकर के कहती हैं प्रभु आपने हमारे साथ पाणि ग्रहण करके हम आपकी विवाहिता हो गई, आपकी मामांगा बन करके विराजी हैं, इसलिए आप हमें स्वीकार करो। भगवान बोले इस समय तो जानकी जी के अतिरिक्त हम किसी को स्वीकार नहीं करेंगे, तुम्हारी इच्छा है तो आ जाना गोपी बन करके वृंदावन धाम में। वे यज्ञ सीता सब गोपियां बन करके पधारी हैं। भगवती श्रुति दिन रात परमात्मा का वर्णन करते करते अंत में नेति नेति कह के मौन हो जाती हैं, पर इदमित्थम कह करके उस ब्रह्म का वर्णन नहीं कर पाती कि यही है। तो वे श्रुतियां भी विचार करने लगी आप कौन हो महाराज, भगवान तो अनिर्वचनीय है, वाणी के विषय तो है नहीं, इसलिए निषेध वृत्ति से ही वर्णन करती है, ये भी नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं, तो ब्रह्म है क्या, शरीर नहीं इंद्रियां नहीं मन नहीं बुद्धि नहीं। बोले जैसे एक कन्या का विवाह हुआ और विवाह के बाद में उसका पति जब लेने आया तो सहेलियों ने कहा ये 10 लोग बैठे इसमें तेरा पति कौन सा है। अब बिचारी लज्जा में संकोच में गड़ी हुई कुछ बोल नहीं पा रही, तो सखियों ने कहा अच्छा वो चश्मा लगाए बैठा है वो है क्या, उसने कहा ना। अच्छा तो जो पगड़ी बांध के बैठा है वो है, बोले ना। अच्छा तो जिसकी बड़ी बड़ी मूछें हैं वो है क्या, बोले ना। 10 बैठे हैं और लक्षण वर्णन करते जा रहे हैं सखियां, और उसने 9 का निषेध कर दिया। अब जब 9 का निषेध हो गया जो अब जो बजा है वो उसका पति यही अपने आप सिद्ध हो गया, तो उसको ना बोलना पड़ा ना कहना पड़ा, परंतु उसके केवल 9 का निषेध करने से उसके पति का परिचय बिना कहे अपने आप हो गया। और यही श्रुतियों की शैली है, उसी शैली में किशोरी जी ने भी राम जी का परिचय वनवास में दिया। ग्राम वधूटियों ने पानी पिलाते समय किशोरी जी से पूछा कि इन 2 में तेरे पति कौन से हैं, तो किशोरी जी ने पूरा परिचय लघु देवर के रूप में लक्ष्मण जी का करा दिया कि मेरे देवर जी हैं। अब जब ये देवर जी हैं तो अपने आप सिद्ध हो गया कि ये पतिदेव हैं, पर नाम नहीं लिया न कुछ कहा, केवल राम जी को देखकर किशोरी जी मुस्कुरा गई, परिचय पूरा लक्ष्मण जी का दे दिया। तो बिना तो वह ब्रह्म अनिर्वचनीय है, वो वाणी का विषय बन नहीं सकता, तो वह वर्णन कैसे किया जाए। तो श्रुति भी भगवान का वर्णन करते करते थक गई, परंतु
श्रुतियों ने कहा कि एक बार हमें भी तो अपनी अनुभूति कराइए, दर्शन दीजिए। तो भगवान बोले तो आप भी आ जाइए गोपियां बन करके। तो वे सब श्रुतियां ब्रज की गोपी बन करके प्रकट भई हैं। इसलिए ब्रज के रसिक संत कहते हैं वेदांतियों से, क्या ये बोले भाई आप सब ब्रह्म को ढूंढते हैं वेदों में, और वेद क्या है? बोले कल्प वृक्ष है, निगम कल्प तरो। तो कल्प वृक्ष वेद है, और वेद रूप भी कल्प वृक्ष में ही वेदांत का, वेदांत के माध्यम से बड़े बड़े वेदांती उस ब्रह्म का अन्वेषण करती हैं, करते हैं। श्रुतियों के माध्यम से ही तो ब्रह्म का निरूपण किया जाता है। परंतु थक जाते हैं वर्णन करते करते। तो ब्रज रसिक जन कहते हैं वेद द्रुमे मृगय मा, वेद रूपी द्रुम में वृक्ष में उस ब्रह्म को ढूंढना आप छोड़ दो। अरे साहब वेदों में नहीं ढूंढेंगे तो कहां ढूंढेंगे? वेद का मतलब निगम, निगम का मतलब नितराम गमयति बोधयति स निगमो वेदः, जो निरंतर उस ब्रह्म तत्व का निरूपण करता है, जिस ब्रह्म को इन वेदों के माध्यम से ही जाना समझा जा सकता है। वेद, वेद के द्वारा ही तो उस ब्रह्म का परिचय प्राप्त होता है। तो वेदों में न ढूंढे तो कहां ढूंढे भाई? तो ब्रज रसिक कहते हैं वेद द्रुमे मृगयमा, वेदों में बहुत ढूंढ चुके अब मत ढूंढो। तो कहां ढूंढे? बोले वृंदा विपिने द्रुमे द्रुमे पश्य, वृंदा विपिने द्रुमे द्रुमे पश्य, जिस वेद रूपी वृक्ष में आप ब्रह्म को ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए और नहीं मिला, उस ब्रह्म को वृंदावन में आके वृक्ष वृक्ष के नीचे आप देख सकते हो। बोले आपकी बात का प्रमाण क्या है? हम कैसे माने आपकी बात को कि वह ब्रह्म वृंदावन के वृक्ष के नीचे मिलेगा? तो रसिक जन कहते हैं यद ब्रज बनता भूत्वा श्रुतिभिः यही वावलोकितम् परब्रह्म। प्रमाण यह है कि श्रुतियों ने भी बहुत ढूंढा, बहुत गाया, और थक हार के अंत में उन श्रुतियों को भी गोपी बन के वृंदावन में आना पड़ा। और वृंदावन में जब गोपियां बन के श्रुतियां आईं, तब वह बंसी वाला बन के ब्रह्म उन्हें प्रत्यक्ष प्राप्त हुआ और उनके साथ रास रचा करके उनको परम रस प्रदान किया। इसलिए वेद द्रुमे मृगयमा वृंदा विपिने द्रुमे द्रुमे पश्य यद ब्रज बनता भूत्वा श्रुतिभिः यही वावलोकितम् परब्रह्म। क्योंकि श्रुतियों ने भी ब्रज बनिता बन करके उस ब्रह्म को इहैव इह वृंदावने अवलोकितम प्रत्यक्ष देखा है। परंतु ब्रह्म तो इंद्रियातीत है, यो बुद्धि परसस्तुतः, बुद्धि इंद्रियों की वहां गति ही नहीं है, वो इंद्रियों का विषय बन सकता ही नहीं है, इसलिए उसको अधोक्षज कहा जाता है। अक्षज ज्ञान नीचे ही रह जाता है जिसके, इंद्रिय जन्य ज्ञान इंद्रियों का तो विषय बनता नहीं है। तो तुम देखोगे कैसे? नेत्र इंद्रिय है, ये अपने विषय को रूप को देखती है, पर वो परमात्मा इंद्रियातीत है, इंद्रियों का विषय नहीं बन सकता। तो रसिकों ने कहा हाँ ठीक कह रहे हो, इंद्रियों की गति वहां तक नहीं है, इंद्रियां वहां तक नहीं पहुंच सकती, पर वो तो इंद्रियों तक पहुंच सकता है। इंद्रियों की गति वहां तक नहीं, पर वो तो इंद्रियों का विषय बन करके आ सकता है। बोलो राधे राधे, राधे राधे। जैसे परमात्मा ऊपर छत पर बैठे थे और ज्ञानी भक्त सब नीचे खड़े थे, भगवान ने कहा माम एकम शरणम ब्रज, आओ आओ मेरी शरण में चले आओ। तो ज्ञानी तो प्रौढ़ पुत्र हैं, भक्त बेचारे छोटे बच्चे हैं, मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी। तो ज्ञानी तो नाम रूप की सीढ़ी पार करके पहुंच गए भगवान के पास, नाम रूप का त्याग करते हुए सीढ़ी पार करके पहुंच गए प्रभु के पास। अब भगवान ने भक्तों से कहा तुम भी आओ, भक्तों ने कहा हमारी गति नहीं है वहां तक पहुंचने की, हम बच्चे हैं इतनी सीढ़ी पार नहीं कर पाएंगे, वहां तक नहीं आ पाएंगे। भगवान बोले तो फिर हमको नहीं मिल पाओगे, हमसे मिलना है तो सीढ़ी चढ़ के आना पड़ेगा। भक्तों ने कहा सरकार तो सीढ़ी क्या चढ़ने के लिए ही होती है, सीढ़ी का काम केवल ऊपर चढ़ना ही नहीं होता, नीचे उतरना भी तो होता है। अ
अब जिनकी सामर्थ्य थी वो चढ़ गए ऊपर, अब हमारी सामर्थ्य नहीं है तो क्या आप हमारे लिए नीचे उतर के नहीं आ सकते क्या? भगवान बोले अच्छा अच्छा ये बात है तो चलो हम आ जाते हैं। तो जो नाम रूप से ऊपर उठ करके ज्ञानी उस ब्रह्म तक पहुंच गए और उसकी अनुभूति प्राप्त कर लिए, पर जिनकी पहुंच वहां तक नहीं हो रही थी उनके लिए भगवान ही नाम और रूप दोनों अपना करके नीचे उतर के आ गए, इसी का नाम है अवतार। और सीढ़ियों का भी नाम है अवतरणिका। नाम भी अपना लिया, रूप भी बना लिया, और नाम रूप बना करके इंद्रियों के विषय बन करके आ गए। तो जो इंद्रियों की पहुंच से परे थे वो इंद्रियों के विषय बन के नाम रूप धारण करके भक्तों के लिए प्रकट हो गए। भाई प्रकट कृपाला, प्रकट किसके लिए हो गए हैं? भक्तों के लिए हो गए। इसलिए जन्म नहीं होता भगवान का, अवतार होता है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। अवतरणम, अवतार का मतलब अवतरण हो गया, भगवान नीचे उतर आए। अब संसार में जैसे हम आए वैसे राम, श्री राम जी और श्याम जी भी आए, तो फिर दोनों में अंतर कैसे माना जाए? उनके भी मैया बाप, हमारे भी मैया बाप, सुख दुख हमें भी उन्हें भी, तो फिर अंतर कैसे समझ में आवे? सामान्य रूप से बोले देखो एक कुआं में एक सज्जन गिर पड़े, अब चिल्लाए भैया बचाओ, किसी ने सुन लिया, बोले मत घबराओ मैं आ रहा हूं, उसने कमर में रस्सी बांधी और धीरे से उतर गया। अब हल्ला मचा, कुआ में गिर गया, एक ने कहा दो गिर गए, अभी देख के आया हूं दो गिरे, एक ने कहा भैया दो नहीं गिरे, गिरा तो एक ही है, पर साहब मैंने तो दो देखे हैं। बोले हाँ आपने ठीक देखा है, पर दूसरा अभी उसे लेने के लिए उतर के गया है, वो गिरा नहीं उतरा है। तो जो गिरने में और उतरने में अंतर है वही जन्म लेने में और अवतार लेने में भेद है। हम लोग इस संसार के कुएं में गिर पड़े, अब भव गर्त में गिरे होंगे, जीव रो रहे हैं प्रभु हमें बचाओ, हमारा उद्धार करो, हमें ऊपर निकालो, तो भगवान बोले मत रो, घबराओ मत, मैं आ रहा हूं तुम्हें लेने के लिए। और भगवान अपनी इच्छा से इस भवकूप में उतर के आ गए हम गिरे हुए पतित जीवों का उद्धार करने के लिए। गिरने में उतरने में कितना बड़ा अंतर, गिरा हुआ व्यक्ति घबराया है, व्याकुल है बाहर निकलने के लिए, और जो उतरा है पूरी तैयारी के साथ आया है, अपनी मर्जी से आया है, अपनी मर्जी से जैसे उतरा है वैसे अपनी मर्जी से चाहे जब ऊपर चला जाए। तो आना जाना जिसका स्वेच्छा से हो वो अवतार है, और जिसका आना जाना कर्माधीन हो वो जन्म है। हम लोगों का जन्म मरण होता है, ईश्वर का अवतार और स्वधाम गमन होता है। तो भक्तों के लिए नाम रूप बना के प्रभु आए हैं, और जिन जिन पूर्व अवतारों में भक्तों को भगवान ने वचन दिया है कि हम तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगे, लंबी लिस्ट है महाराज, उन सभी रसिकों को भगवान ने कहा आओ वृंदावन में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करते हैं। तो श्रुति रूपा, ऋषि रूपा, साधन सिद्धा, जितने भी साधक थे सबको बुला लिया, वे ही सब गोपी बन करके पधारे हैं। और गोपी का मतलब गोभी इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबती, जो अपनी समग्र इंद्रियों से अहरनिश कृष्ण रस का ही पान करें। आंखों से कन्हैया का रूप, कानों से कन्हैया की बंसी, हाथों से कन्हैया की सेवा, चरणों के द्वारा कन्हैया की ओर गमन, सारी इंद्रियां कृष्ण रंग में पगी हैं, रंगी हैं, उसी का नाम गोपी है। तो वे सब साधक आए हैं, और उन साधकों को आज शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की छिटकती हुई चांदनी में माधव ने बंसी बजा करके सबके चित्त को चुराया। ये बंसी कौन है? कृष्णोपनिषद में वर्णन आया है, वंशस्तु भगवान रुद्र भूत भावन भोलेनाथ ही ब्रज में बंसी बन करके प्रकट भए हैं। क्योंकि जब राम जी बन के प्रभु आए तो भोले बाबा हनुमान जी बन करके आए, पर हनुमान जी बन करके वो सेवा करी कि राम जी ऋणिया हो गए, और इतना कह दिया वाल्मीकि रामायण में राम जी ने, एकैकस्योपकारस्य प्राणान् दास्यामि ते कपे। हनुमान तुम्हारे एक एक उपकार के बदले में मैं अपने प्राणों को भी न्योछावर कर दूं तब भी तुम्हारे ऋण से उरण नहीं हो पाऊंगा।
प्रति उपकार करो का तोरा प्रति उपकार करो का तोरा सनमुख होई न सकई मन प्रति उपकार करो का तोरा प्रति उपकार मैं तुम्हारा प्रत्युपकार क्या करूं, तुम्हारे ऋण से कैसे उरण हो। राम जी ऋणिया बन गए और राम जी ब्रज में जब घनश्याम बन करके आए, राम दो अक्षर हैं, राम और वे ही राम जी ब्रज में आए राधे श्याम, राम माने राधा, मां माने माधव, हमारे राम जी ही राधा माधव बन के युगल रूप में प्रकट भए हैं सभी रसिकों को रस प्रदान करने के लिए। वहां मर्यादाओं का बंधन था इसलिए मन की बात पूरी नहीं कर पाए, परंतु अब अपना मनोरथ पूर्ण करने के लिए मनश्चक्रे अब पूरा मन बना लिया रसिकों को आनंद देने का, और इसलिए आज कन्हैया ने बंसी बजा के उन सबको बुलाया, अब आ जाओ। और जैसे ही देखो बंसी दो बार बजी है, पहले जो बंसी बजी वो बंसी बजी थी सर्वभूत मनोहरम, दसम स्कंद के 21वें अध्याय में वेणु गीत के माध्यम से उस बंसी का वर्णन किया, और उस बंसी के वर्णन में इति वेणु रवम राजन सर्वभूत मनोहरम श्रुत्वा ब्रजस्त्रियः सर्वा वर्णयन्त्यो भिरे भिरे। वर्णयन्त्यो भिरे भिरे। इति वेणुरवम सर्वभूत मनोहरम, इस बंसी को सभी ने सुना और जिसने सुना वही बंसी का दीवाना हो गया। गोपियां तनमय हो गई। अब देखो बंसी वन में बजाई है, गोपियां सब अपने घर में बैठी, पर जब बंसी कान में पड़ी तो गोपियों को बंसी वाला सामने दिखाई पड़ने लगा और वेणु गीत में गोपियों ने गाया अक्षण्वतां फलमिदं न परम विदाम अक्षण्वतां फलमिदं न परम विदाम अक्षण्वतां फलमिदं न परम विदाम अक्षण्वतां फलमिदं न परम पशूननु विवे सयतोर्वयस्यै सख्यः पशूननु विवे सयतोर्वयस्यै वक्त्रं व्रजेश सुतयो रनु वेणु जोष्टम् पीत मनु रक्त कटाक्ष मोक्षम जैर्वाणी पीत मनु रक्त कटाक्ष मोक्षम Oh,
पर इति वेणु रवम सर्वभूत मनोहर, इसको सभी ने सुना, गायों ने, बछड़ों ने, ग्वालों ने, सभी ने। परंतु आज जब रास रचाने के लिए बंसी बजाई तो सबके लिए नहीं बजाई, किसी को सुनाई नहीं पड़ी। सास बहू आपस में बातें कर रही हैं, एक साथ बैठी हैं, परंतु जो गोपी जिसका चीर हरण हो चुका है, बंसी सिर्फ उसी को सुनाई पड़ रही है, क्योंकि चीर हरण के बाद ही भगवान ने रास का अधिकार गोपियों को दिया है। बंसी उन्हीं को सुनाई पड़ी जिनका चीर चुराया था, और उस बंसी को सुन करके बनम चतत कोमल गोभिरंजितम जगौ कलम बाम दृशाम मनोहर। यहां पर जो बंसी बज रही है तो बाम दृशाम मनोहर, केवल ब्रज वनिताओं के मन को हरने वाली ये बंसी है। बंसी से भगवान मन को हर लेते हैं, मनोहर मन को हरने वाली। जगव बजाया, क्या बजाया? कलम, ये क्लीम बीज है। कम सुखम लाती सक कलम, कम नाम सुख का है, जो सुख को लावे वो क्लीम बीज भगवान ने बंसी में फूंक दिया। श्री कृष्ण का क्लीम बीज है। क्लीम कृष्णाय नमः, क्लीम कृष्णाय गोपी जन वल्लभाय, ये मंत्र है। तो भगवान ने बंसी में क्या बजाया? बोले वही क्लीम बीज बजाया, अस्पष्ट ध्वनि। गोपियों ने सुना तो उन्हें बांसुरी सुनाई पड़ी, और गजब की बात, इस बांसुरी में सभी गोपी को अपना अपना नाम सुनाई पड़ा कि प्यारे मुझे मेरा नाम लेके बुला रहे हैं, क्योंकि रुद्रांशिका तो वंशिका, भोले बाबा ही बंसी बन के पधारे हैं। तो भगवान और भोलेनाथ कौन है? वैष्णवानाम यथा संभु, वैष्णवों में परम वैष्णव हैं भगवान भोलेनाथ, द्वादश महाभागवतों में नाम है। तो भोले बाबा को बंसी बजा के बुला के भगवान ने कहा कि जाओ जो जो पात्र हैं उनको बुला के लाओ, और किसी को मत बुलाना, जिनमें पात्रता है महाराज में आने की वे ही आए। इसलिए बंसी तो बजी पर केवल पात्र के ही कान में पड़ी, हर किसी को सुनाई नहीं पड़ी। जगौ कलम बाम दृशाम मनोहरम, और उसी बंसी को सुनकर के सभी गोपियां दौड़ पड़ी। निशम्य गीतम तद अनंग वर्धनम, अनंग वर्धनम गीतम निशम्य, सुनते ही सब गोपियां दौड़ पड़ी। अम्बाई कैसे दौड़ रही हैं, ध्वनि सबको सुनाई पड़ रही है। अन्योन्यमलक्षितोद्यमा, कोई किसी को न देख रही है न कोई किसी की सुन रही है, जबकि देवियों का स्वभाव होता है कहीं भी निकले तो इकट्ठी होके चलती है। ग्रामीण अंचलों में आज भी देखा जाता है, कहीं भी जाए आसपास मोहल्ले की सब, अरे तू भी आ जा, तू भी आ जा, सब मिलके उसकी राह देखेंगी, प्रतीक्षा करेंगी, पर सब इकट्ठी हो जाएंगी तब चलेंगी। तो ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा, बंसी के स्वर से माधव ने सबका मन ग्रहण कर लिया, चुरा लिया। तो आजगमुह अन्योन्यम लक्षितोद्यमा, सब दौड़ी दौड़ी आ गई,
ना अन्य किसी को कोई देख रही है, ना अन्य किसी की कोई सुन रही है, कहां आ गई? बोले सयत्र कांत, जहां उनके कांत नितांत एकांत में शांत खड़े वेणु निनाद कर रहे थे, ऐसे मुरली मनोहर माधव के साथ सर्वस्व त्याग करके सबकी सब गोपियां आ गई। बाजी कहां श्याम की मुरलिया, बाजी कहां श्याम की मुरलिया, बाजी कहां बाजी कहे कहां बाजी, सब कहने किधर से आई किधर से आई। बस एक बात कहते के इस सत्र को संपन्न करते हैं। जब कोई चोर आता है तो डायरेक्ट मेन गेट से नहीं आता, खिड़की से कूद के आता है और तिजोरी साफ करके जब जाने लगता है और लोग जग जाते हैं घर वाले, तो कहते हैं इधर भगा उधर भगा, वो कहते नहीं उधर गया है उधर गया है, तो उसका पीछा करके भागते हैं। छोटे बच्चे डर जाते हैं, अरे क्या हो गया क्या हो गया, हल्ला कैसे मच रहा है रात में। ऐसे ही कन्हैया तो चोरों के सरदार हैं, चौरागरगण्यम पुरुषम नमामि, ये तो चोरों के सरदार हैं। इन्होंने अपने वेणु रूपी पट्ट शिष्य को तैयार किया चोरी करने में, तो आज वो ये वेणु भी चोरों का काफी होशियार बन गया। तो भगवान बोले सरदार तो हम हैं, तुमको प्रशिक्षण हमने दिया है, अब तुम चोरी करके आओ, बताओ कैसा चोरी करना तुम्हें सीख, कितना तुम उसमें दक्ष हुए। तो भगवान का पट्ट शिष्य वेणु आज पहली बार चोरी करने आया और उस वेणु ने अपने रब से अपनी ध्वनि से कर्ण रंध्र से प्रवेश किया गोपी के अंतःपुर में, और अंतःपुर में प्रवेश करके लाज शर्म संकोच जितना भी उनका धन था जो आज तक वो बचाए रखी संकोच आदि लज्जा, उस सारे धन को चोरी करके चित्त रूपी वित्त पर डकैती डाल करके लेके भाग लिया। और जैसी चोर चित्त के वित्त को चुरा के भागा तो जब लोल कुंडला गोपियों की कुंडल हिलने लगे और गोपियां भी उधर भागी जिधर से ध्वनि आ रही थी, बंसी का स्वर जिधर से आया गोपियां उधर ही दौड़ी। चोर जिस दिशा में गया हो उसी दिशा में तो पीछा किया जाता है,
तो अन्योन्यमलक्षतोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। उनके कुंडल हिल रहे हैं, मानो बच्चे डर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ये हल्ला गुल्ला कैसा मच गया, ये कहां भागा दौड़ी हो रही है। और गोपियां भी जिधर से ध्वनि आ रही थी उसी के पीछे भागी चली जा रही हैं। और भगवान का ये पट शिष्य दक्ष चोर हो गया, जो सबको ला करके भगवान के सामने खड़ा कर दिया और सबके चित्त रूपी वित्त को चोरी करके भगवान के चरणों में रख दिया। सारा माल ये रहा सरकार। बुलवंशी वारे की जय। इसलिए चौरागर गण्य पुरुष भगवान को कहा गया है, ये चोरों के सरदार हैं, जल्दी से तो हम अपना चित्त इनमें देते नहीं, तो ये अपने ये ऐसे चित्त चोर हैं, जबरदस्ती डकैती डाल करके चोरा लेते हैं, सबके मन का हरण कर लेते हैं। आज गोपियों के हृदय में भी डकैती डाल दी, चित्त भी चोरा लिया, मन भी हर लिया, कृष्ण ग्रहीत मानसाहा, सब कुछ इस चित्त चोर ने चोरा लिया। अब इस चोरी का परिणाम क्या होता है वो दूसरे सत्र में चर्चा करेंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, कान्हा तेरी मुरली बजे धीरे धीरे, कान्हा तेरी मुरली बजे धीरे बजे धीरे धीरे श्री यमुना के तीरे, बजे धीरे धीरे श्री यमुना के तीरे, श्याम तेरी जय हो, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, इत मधु मंगल श्री दामा, इत मधु मंगल उत श्री दामा, इत मधु मंगल उत श्री दामा, इत मधु मंगल उत श्री दामा, बीच में हो बीच में कान्हा चले धीरे धीरे, बीच में कान्हा श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, इत में ललिता उत में विशाखा, इत में ललिता उत में विशाखा, इत में ललिता उत में विशाखा, बीच में हो बीच में राधा चले धीरे धीरे, बीच में राधा चले धीरे धीरे, श्याम तेरी मुरली बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी मुरली बजे धीरे धीरे, कदम की डाली पे झूला पड़ो है, 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 श्री राधे जय हो, राधा और कान्हा झूले धीरे धीरे, झूले धीरे धीरे श्री यमुना के तीरे, झूले धीरे धीरे श्री यमुना के तीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, कान्हा तेरी मुरली बजे धीरे धीरे, कान्हा तेरी मुरली बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे, हाँ बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे, बुलवंशी बारे की जय। श्री रास
दास बिहारी सरकार की जय जय श्री राधे।